कुछ नहीं होगा लक्ष्मी। देखो डरो मत, मैं हूँ ना। बस बस अभी हो जाएगा। तेरे की बेगम आ गई। लक्ष्मी, लक्ष्मी, ये बेचारी तो मर गई। समझो बच गई, नहीं तो लड़की पैदा करने की वजह से मैं खुद उसे मार देता। गंगूलाल, ये रुपया और इस बच्ची को लेकर निकल जाओ, इसे मैं दफना दूंगा। ए, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, बकबक की तो पुलिस से कहकर गिरफ्तार करवा दूंगी। ये रुपये अपने पास रख और बच्चे को दूध पिला। बड़ा आया दफनाने वाला। बिन माँ बाप के बच्चों के इस अनाथ आश्रम में परवरिश करते हैं। जन्म देने वाले बाप के होते हुए इसे अनाथ बनाओगे? तुम इसे पालोगे तो यहाँ छोड़ूंगा, नहीं तो शहर में कचरे के डब्बे, फुटपाथ, रेल की पटरियाँ बहुत हैं। वो भी नहीं तो इसे ले जाके दरिया में फेंक दूंगा, पल भर में खत्म। ठहरो, दरअसल दरिया में तो तुझे डूब के मरना चाहिए, इस बच्ची को नहीं। इतने बच्चों को पनाह देने वाले इस आश्रम के लिए यह बच्ची कोई बोझ नहीं है, इसे मैं पालूंगा। बच गया, फुल बोतल पीने की खुशी मिल गई। बच्ची का नाम क्या रखा है? मैं तो इसे दफनाने वाला था तो नाम क्या रखता। वैसे मेरी माँ मरते मरते कह गई थी कि मेरी बेटी बनके जन्म लेगी, उसका नाम अनुराधा था, वही नाम रख दो। गंगूलाल, अनुराधा को अनाथ नहीं बनाऊंगा, उसका बाप जिंदा है ये बोलकर उसे पालूंगा। तू सिर उठाकर देख भी नहीं पाएगा, उस ऊंचाई पर से ले जाऊंगा। अच्छा, देखिए ये सब बिना माँ बाप के अनाथ बच्चे ये हम में से किसी पढ़ रहे हैं, अकलमंद भी हैं, खासकर बड़ों की इज्जत भी करते हैं। इनमें से आपको जो भी पसंद हो उसे गोद ले सकते हैं। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? जी मेरा नाम अनुराधा है। बहुत अच्छा, सुनो ये बच्ची प्यारी है ना? आप रुकिए, मुझे ये लड़की बहुत पसंद है, देखिए कितनी सुंदर लग रही है। स्नेहा इधर आना बेटे। अनु, स्नेहा चली गई इस बात से दुखी हो बेटे? मैं उन्हें पसंद क्यों नहीं आई अंकल? बचपन में बाप ने ठुकराया, अभी इन्होंने ठुकराया, मैं किसी को पसंद क्यों नहीं आती अंकल, क्यों नहीं आती अंकल? पगली कहेगी, ऐसे मौके पर हिम्मत से काम लेना होगा। तुम स्कूल जाके पढ़ लिख कर फर्स्ट आओगी तो तुम्हें अच्छी नौकरी मिलेगी, अगर अच्छी नौकरी मिलेगी तो हमारे किशन जी जैसा तुम्हें अच्छा पति मिलेगा जो तुम्हें जी जान से प्यार करेगा। माँ बाप नहीं है इस बात से दुखी होना, वो दुख भी वो दूर करेगा बेटे। अब जाओ खेलो। क्या हो रहा है? तुझे दिखाई नहीं देता क्या? मुझ पर हाथ उठाने से पहले पता लगाओ कि मेरा दोस्त कौन है। आइसक्रीम की स्टिक जैसे दुबला पतला है, अभी इसमें इतना जोश है, बड़ा होने पर ना जाने क्या करेगा। साले, मैं तेरा थोबड़ा फोड़ डालूंगा। We'll be right back.
पंडित जी है मेरी पत्नी की कुंडली देखकर बताइए कि मेरे बिजनेस का भविष्य क्या है। आपकी बिजनेस का भविष्य बताने के लिए आपकी कुंडली लिखनी होगी ना। ये बात नहीं है, अगर इसकी किस्मत में सुख शांति लिखी है तो मेरा बिजनेस अच्छा चलेगा ही। यदि ऐसा ना लिखा हो तो? अरे जिसकी भी कुंडली अच्छी होगी ना उससे शादी कर लूंगा। भैया जी शादी आप किसी से भी कर ले, लेकिन साला मैं ही रहूंगा। ठीक है साले। इतना बुद्धिशाली और भाग्यशाली परिवार है। देखिए ना, शनि धोनी की तरह धनाधन चल रहा है। ओला शुक्र नो प्रॉब्लम, छक्के में छक्का मार रहा है जी सचिन तेंदुलकर की तरह। इनकी कुंडली की सारे ग्रह इंडिया के 2020 टीम की तरह कमाल कर रहे हैं। ग्रहों का क्रिकेट से क्या संबंध है मेरी समझ में नहीं आया। हमें क्रिकेट अच्छी तरीके से समझ में आता है जबकि शास्त्र समझ में नहीं आते, इसीलिए पंडित जी हमें इस तरीके से समझा रहे हैं। कुंडली अच्छी है, कच गुड कच। इसकी कुंडली तो बास मार रही है मगर मेरी कुंडली अच्छी है। एसआर के साहब। आइए प्रकाश जी बैठिए बैठिए। मैं बैठने के लिए नहीं आया हूँ, कुछ न कुछ फैसला करने के लिए आया हूँ। 400 फ्लैट्स बनवाने के लिए आपको साइट और एडवांस देकर 2 साल पूरे हो गए, छत भी बनाए बिना काम अधूरा छोड़ दिया आपने। आपको बताया था ना उस भवानी यादव को खाली करवाने के बाद ही काम पूरा होगा। ये कैसा अन्याय है, मेरी जगह को उसके जरिए आप ही ने कब्जा करवाया और एक्स्ट्रा अमाउंट वसूलने को सोच रहे हैं। एक पैसा भी नहीं दूंगा मैं, पेपर में ऐड दूंगा कि जो भी उस भवानी से उस जगह को खाली करवाएगा उसी को कॉन्ट्रैक्ट दूंगा। अभी अभी पंडित जी मुझे बता रहे थे नवग्रहों का अनुग्रह है मेरे ऊपर, तुम चाहे पेपर में ऐड दे दो चाहे टीवी में रोना धोना मचाओ कोई नहीं आने वाला। वो भी देख लेंगे। क्यों है पंडित वो इतना कॉन्फिडेंस दिखाया जा रहा है, तूने जो कहा वो सही है ना? आंखें फूट जाएंगी क्या? अगर मैंने झूठ बोला तो मैं फिर बोल रहा हूँ, सुनिए सभी ग्रह आपके अनुकूल हैं जजमान, आपको मां देना हो तो 10वें ग्रह को आना होगा। इम्पॉसिबल। तुमको जो भी चाहिए जीजा जी दे देंगे। आके आके ए यहाँ पे भवानी कौन है? अंधे हो क्या, दिखाई नहीं दे रहा है? मैं हूँ, तुम फौरन ये साइड खाली करके, ये सिटी खाली करके, ये स्टेट खाली करके निकल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। नहीं गया तो पानी तक नहीं मांगोगे। मुझ पे हाथ उठाने से पहले मेरा बॉस कौन है ये जानना चाहिए था। लगता है पंडित ने इसी 10वें ग्रह की बात की। मारो सालों को। Work that body, make sure you don't hurt nobody. Sensation, feel the vibration. Feeling the fire with a burning desire. भाई मैं कल ये शहर छोड़ दूंगा, मैं कभी वापस लौट के नहीं आऊंगा भाई, मुझे मुझे माफ कर दीजिए भाई, मैं ये भाईगिरी का धंधा भी छोड़ दूंगा। पैर छोड़ रहे चल। जीजा जी भवानी को मारने वाला वही है। कौन? वो कालिया?
ओफो, वो तो उसका फ्रेंड है, उसके बगल वाला। स्क्रू ढीला हो गया बॉस। गाड़ी का नहीं, तेरा स्क्रू ढीला है। वो तो इतना दुबला पतला है, उसने भवानी को मारा। वो देखने में क्लास है और मारने लगे तो एकदम मास है। तो तुम ही हो इस एसआरके के गुंडों को मारने वाले मर्द। तुम मुझे अच्छे लगे। ये छोटी कंपनियां तो मेरी छुंगलिया के बराबर है। मेरे साथ आ जाओ, मुंह मांगे पैसे, साथ साथ अय्याशी, तुम्हारी जिंदगी बदल के रख दूंगा। आज तक जीके की दारू पीते ना, उन्हें एक लफ्ज बोल के आता। तुम तो मुझे और भी अच्छे लगे। तुम मेरे साथ आ जाओ तो ये शहरी क्या सारे इंडिया पे कब्जा कर सकता हूँ। अरे ये क्या, ये ऐसे क्यों सा? सोचा था तुम्हारी कंस्ट्रक्शन कंपनी है लेकिन कब्जा कंपनी निकली, यही मतलब है। चलो ए जीके, नए नए कंस्ट्रक्शन लाइन में आकर मेरे ही कॉन्ट्रैक्ट को हड़पना चाहते हो तुम? वो गुंडा जो आज तक तुम्हारे पीछे खड़ा रहता था, वो गुंडा अब मेरे पीछे खड़ा है। अबे उस दीवार को क्या घूर रहा है, इधर घूम और मेरी तरफ देख, फूट फूट कर रोना पड़ेगा। तुम एक बार पीछे मुड़ के देख लो, फूट फूट के रहोगे। तुम जीके कंस्ट्रक्शन लाइन मैनेजिंग डायरेक्टर गौरव खन्ना। तुम एमडी हो? कुर्सी पर बैठा तो एमडी, फाइट करता हूं तो राउडी, कुल मिलाकर तेरा बाप। अगर सर फिर गया तो फाड़ के रख दूंगा। क्या लेंगे आप? आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, लस्सी? अपनी औकात में आ गए। ए जीके, बिजनेस में मेरा मुकाबला करना भवानी को मारने जैसा आसान काम नहीं है। इस देश की नंबर वन कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक हूँ मैं। इसीलिए तुझसे पंगा लिया है। नंबर तीन को मारने से तीन बन जाऊंगा, दो को मारने से दो बन जाऊंगा, नंबर वन को मार दिया तो वन बन जाऊंगा। दैट इज जीके। जी यानी गट्स, के यानी कलेजा। अब तू जा। मैंने कभी आगे बढ़ने के बारे में सोचा ही नहीं। सामने वाले को पीछे ढकेल के मैं हमेशा आगे रहा करता हूँ। देख लेना बच्चों, मैं तुझे रौंद के रख दूंगा। अगर मुझे गुस्सा आया ना तो मेरे जैसा बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं। गुस्सा नहीं भी आए तो तुम्हारे जैसा बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं। ये फर्स्ट एडवांस, फॉरेन कंस्ट्रक्शन शुरू कीजिए। नो कैश, ओनली चेक, बैलेंस भी चेक से दीजिए। आज पहली बार रियल एस्टेट के बिजनेस में एक दमदार मर्द को देखा है। आज से मैं अपने सारे कॉन्टैक्ट साफी को दूंगा। थैंक यू वेरी मच। सर हमें फौरन काम शुरू करना होगा, कल संडे है ना, इसलिए आज शाम को ही स्टाफ मीटिंग अरेंज करता हूँ। ये क्या है? मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ और ये तो यूं ही हंसते हुए चले गए। इस हंसी का मतलब जानते हो? नहीं जानता। देखो गांधी, कल संडे है तो आज सैटरडे है, और सैटरडे को स्टाफ की मीटिंग नहीं रखा करते, फ्रेंड्स के साथ पार्टी और डिस्को। इंटरव्यू बहुत टफ है क्या? सैलरी भी बहुत ज्यादा है, रहने के लिए फ्लैट भी देंगे, पिकअप करने के लिए गाड़ी भी आएगी। किसे पिकअप करने से नौकरी मिलेगी? एमजी साहब के ड्राइवर को। ड्राइवर को? हाँ ड्राइवर को ही, वो एमजी साहब के बहुत ही क्लोज फ्रेंड है। सिर्फ यही नहीं, वो जो भी काम करते हैं उसे बताकर ही करते हैं। इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछेंगे वो भी वो जानता है। मतलब पूछने से वो बताएगा? पूछने से नहीं बताएगा, 500 देने से जरूर बताएगा। थैंक यू। अब मैं आपको बताता हूँ वो फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरे बॉस पूछेंगे। आपका नाम क्या है? स्टूपिड। सॉरी मिस, देखा नहीं। जानबूझकर धक्का देते हो, ऊपर से झूठ भी बोलते हो। कम से कम मेरी उम्र का लिहाज करो बेटे। यही तो प्रॉब्लम है, आप जैसे उम्र वाले ही डेंजर होते हैं। सॉरी बोल दिया फिर भी डांटती है, भलाई का जमाना ही नहीं है। वहाँ सामने जाके बैठ सकते हैं ना? यहाँ आया हूँ इसलिए यहाँ पर बैठा हूँ बेटी। कमाल है भाई, ये भी कोई जुर्म है क्या? इंटरव्यू के लिए कितने लोग आए हैं? 12 लड़के आई हैं बॉस। सबको एक साथ बुलाओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मुझे सेक्रेटरी के लिए MBA पास लड़के चाहिए ऐसा ऐड दिया था। आप सब में वो क्वालिफिकेशन है ना? यस सर। इसीलिए क्वालिफिकेशन से नहीं कैरेक्टर से सेक्रेटरी को सिलेक्ट करना चाहता हूँ। सुनील जी, कमला, लक्ष्मी, वीणा, पल्लवी, ज्योति, ज्योत्सना, माधुरी, तुम सातों लड़कियां 500 रुपया देकर 50,000 की नौकरी हासिल करना चाहती थी। नौकरी मिलने से पहले ये हाल है तो कल नौकरी मिलने के बाद किसी ने 5 लाख दिया तो 50 करोड़ का टेंडर भी लीक आउट कर देंगे ना? तो क्या आप कोई भी काला धंधा किए बिना ये बिजनेस रन कर रहे हैं? गलत रास्तों से तरक्की करने वालों से और बहुत ज्यादा बात करने वालों से मुझे चिढ़ है।
यू कैन गो। कम ऑन गर्ल्स, 500 में यहाँ जॉब नहीं मिला तो क्या हुआ, 1500 देने से कहीं और जॉब मिल जाएगा। हेलो मैडम, मैडम एक मिनट रुकिए, एक मिनट, हाँ ये रहे आप सबके 500 रुपए, लीजिए और जाइए। नेक्स्ट स्टेला मेरी सिंधु। कॉर्पोरेट ऑफिस में अगर काम करना है तो मेल फीमेल सब मिलकर दोस्तों की तरह रहना होगा। सारे मर्द मेरी खूबसूरती के पीछे पड़े, समझने वाली लड़कियां ब्यूटी कॉन्शियस के सिवा ड्यूटी कॉन्शियस नहीं होती, इसीलिए ब्रॉड माइंडेड मॉडर्न लड़कियों की तरह सोचना सीखो, तरक्की करोगी। सॉरी सर, जिंदगी में फिर कभी इस लफ्ज को इस्तेमाल करने का मौका नहीं आना चाहिए। सर इतने सख्ती से पेश आने वाले बॉस के साथ मैं काम नहीं कर सकती, बॉस तो फ्रेंडली होने चाहिए। सैटरडे नाइट पब में मिलो, फ्रेंडशिप करूंगा, ऑफिस में खाल उधेड़ दूंगा। चलती हूँ। बॉस आप जैसा होना चाहिए सर, हैंडसम डायनामिक। लेकिन सेक्रेटरी तुम्हारी जैसी नहीं होनी चाहिए, तारीफ करने वाले मुझे पसंद। यू कैन गो। तो अब क्या करें सर? मैं तो सीरियसली बात कर रहा था और वो ऐसा हंस रहे हैं, इसका मतलब? जो चाहिए वो मिलने तक ये जी के कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, फिर से ऐड दे दीजिए। हंसी का यही मतलब है? ओ भैया, लड़कियों के दीवानों को देखा है, फिल्म के दीवानों को देखा है, क्रिकेट के दीवानों को देखा है, आपको आखिर इस तरह का शौक क्यों नहीं है? बोर नहीं होते क्या? है ना, गाड़ियां खरीदने का शौक है। हाँ ये तो है, मार्केट में जो भी नई गाड़ी आती है आप उसे खरीद लेते हैं। आप तो नई गाड़ी खरीद लेते हैं, उन्हें चला चला कर मैं ड्राइविंग भूल जाता हूँ। इसीलिए तो तुझे वहाँ बिठा के मैं ड्राइव कर रहा हूँ। स्टॉप स्टॉप प्लीज, एक्सीडेंट हुआ है सर, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। इज ही अलाइव? यस सर, ही इज अलाइव। सुनील जाकर देखना जी। प्लीज मदद कीजिए सर। वैसे आपके क्या लगते हैं? कुछ भी नहीं लगते। हाँ आपके ये कुछ भी नहीं लगते, फिर भी आप इतनी तकलीफ उठा रही हैं। रास्ते में खून से लथपथ पड़े आदमी को बचाने के लिए खून के रिश्ते की कोई जरूरत नहीं है। नाक पे मच्छर भी बैठ जाए तो उसे हटाने की फुर्सत नहीं है किसी को इस सिटी में, और आप एक अनजान आदमी के लिए इतना कुछ कर रही हैं। आपकी इनके बारे में क्या राय है भैया? ये तो आप बैल मुझे मार वाली बात। चल चलते हैं, अब ये लोग देख लेंगे। हाँ सुनिए सुनिए सर, आप एक मिनट के लिए लॉबी में आएंगे? ओके। आपका विजिटिंग कार्ड दीजिए। विजिटिंग? ओके। पेशेंट के कौन लगते हैं? वो सड़क पर बहनों ही हैं, सगी बहन के पति। एक मिनट। व्हाट? सॉरी सर, एक्सीडेंट केस है ना, अगर कोई रिश्तेदार ना हो तो पुलिस के आने तक वेट करना पड़ता, इसलिए ऐसा कहना पड़ा। ठीक है चलो, इस पर साइन कर दीजिए। बेहतर होगा भैया कि आप कोई और नाम लिख दें। तेरा ही नाम लिखा है। एडमिशन फी 1000 रुपए जमा कीजिए। एक मिनट। अगर आप बुरा ना माने तो 1000 रुपए उधार देंगे, कल वापस कर दूंगी। तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, कोई आईडी नहीं है, पर्स में 1000 रुपए भी नहीं है, आधी रात को क्या सोच के उसे बचाने निकल पड़ी? ये तीनों जिसके पास हूँ ऐसे किसी की राह देख रही थी, किस्मत से आप मिल गए। क्या किस्मत है मेरी। डॉक्टर साहब, मेरे भैया के साले साहब का क्या हाल है? घबराने की जरूरत नहीं, पहले से भी बेहतर है। आपने कोई मामूली मदद नहीं की है? आपकी और हेल्प करना चाहता हूँ, इस वक्त आपको ऑटो या टैक्सी नहीं मिलेगी इसलिए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, यही कहना चाहते थे ये। आइए चलिए। तुम्हारा नाम? अनुराधा। कहाँ रहती हो? कस्तूरबा अनाथ आश्रम के हॉस्टल में। पैदा होते ही माँ चल बसी, पिताजी मुझे छोड़कर कहीं गुम हो गए। ओह सॉरी। पढ़ाई कहाँ तक हुई है? MBA सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अच्छे जॉब के लिए ट्राई कर रही हूँ। और आप? बॉस जीके कंस्ट्रक्शन लाइन के MD हैं और मैं ड्राइवर कम फ्रेंड। बहुत बहुत शुक्रिया। ये लो मेरा विजिटिंग कार्ड, कल ऑफिस में 10 बजे आ जाना, 1000 रुपए लाना मत भूलना। जरूर ले आऊंगी सर। इतना कमाता है फिर भी 1000 रुपए वापस मांग रहा है, लगता है बहुत ही कंजूस है। इतना कमाता है फिर भी कंजूस 1000 रुपए मांग रहा है, ऐसा मत सोचो। हाँ? मेरी कमाई की पाई पाई में मेरा खून पसीना है, इसीलिए वो मेरे लिए अहम है। कल 10 बजे ऑफिस आ जाना। ओके। कितना हुआ? 50 रुपए।
हेलो दादाजी, ये बाथरूम है वो बॉस रूम। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों, हॉस्पिटल में भर्ती कराओगी? मेरा ये मतलब नहीं था। मतलब जो भी था आपका। चलिए बॉस सुबह से आपका इंतजार कर रहे हैं, आइए। अनुराधा। हेलो सर। कम कम, गांधी साहब रात को मिले थे। हेलो, ये लीजिए आपके 1000 रुपए। ओ, ले आई। दवा का कितना हुआ? 600। ओके 600, समझ लूंगा, अपने साले को दे दिया। ओके मैं चलती हूँ सर। 1 मिनट। फर्स्ट मीटिंग में ही बहुत इंप्रेस हो गया था, रात भर तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था। दिखने में तो जेंटलमैन लगता है, अंदर से लुच्चा ही निकला। ये लिफाफा खोल के पढ़ लो, मेरे प्रपोजल को यस या नो बोलो। मैं घर जाके पढ़ लूंगी सर। नो 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 नो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, जो भी फैसला है अभी सुना दो। टाइम वेस्ट? इसमें भी इतना ईगो? मुझ में जो ईगो है उसके वजह से आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा मैंने। पहली बार तुमसे कुछ मांग रहा हूँ। काफी तेज है। मतलब हाँ कर दी। मैं आपकी सेक्रेटरी? तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर। I can't believe this. 50,000 सैलरी, कंपनी का फ्लैट, ऑफिस कार, 24 आवर्स जॉब, ये मोबाइल फोन बिल कंपनी भरी। इसका मतलब ये नहीं कि 24 आवर्स पर्सनल कॉल करती रहो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मुझे आपके पास उद्योग मंत्री ने भेजा है। हाँ, मुझे याद है, उन्होंने बताया था आप आएंगे। वो आपके क्या लगते हैं? वुड बी मतलब मैं उनका होने वाला दामाद हूँ। वो और मेरे डैडी लंगोटिया याद। ओके ओके। कैन आई सिट डाउन प्लीज? या हेलो। आपका नाम? नागार्जुन सागर। वो तो डैम है। नहीं, मेरा नाम है। अरे ये कैसा नाम है? नागार्जुन सागर जैसा विशाल डैम बनाने की ख्वाहिश थी मेरे डैडी की, लेकिन वो अपनी ख्वाहिश को अधूरा छोड़कर चले गए। उनका एक्सीडेंट हुआ था क्या? बिल्कुल नहीं, वो तो तीर्थ यात्रा में ही निकल लिए। सॉरी मिस्टर सागर, कूल इट। नो सर, आई एम वेरी हॉट। मैं एनएस ग्रुप ऑफ कंपनीज, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसी ऊंचाई तक पहुंचना मेरा सपना है सर। वो तो अभी नहीं है ना? मेरा बिजनेस भी तो नहीं है। बाय द वे, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में मुझे आपका इंस्ट्रक्शन चाहिए। मुझे जरूरी काम से जाना है, बाद में मिलते हैं। आप भी कमाल है सर। मैं कमाल हूँ? बाद में जो डाउट होगा उसको बाद में क्लियर करेंगे, लेकिन अभी जो डाउट है उसको अभी कर लेते हैं। दीवारों को अगर मजबूत बनाना हो तो उसमें क्या मिलाना चाहिए? फेविकॉल। ओ फैंटास्टिक, फेविकॉल, मैंने भी यही सोचा था। सर, बिल्डिंग मुद्दत तक टिकी रहे उसके लिए क्या करना चाहिए? बेसमेंट मत बनाओ। माइंड ब्लोइंग सर। सर, लाइफ में अगर आप तक पहुंचना हो तो क्या करना चाहिए? आप अपने जूतों का हाइट 2-3 फीट बढ़ाइए। मार्वलस सर, मार्वलस। सर, मैंने कुछ प्लान बनाए, उन्हें जरा देख लीजिए। सागर, I have some. No, 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 sir. It's a very different plan, sir. आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। See, sir, this is very typical plan, sir. सर, अपने शहर में चोरों का डर बहुत है ना सर, इसलिए इस प्लान में हमने ऐसा किया है कि इस बाथरूम से बगल वाले के बेडरूम तक और उसके बेडरूम से लेकर उसके अगले वाले बाथरूम तक कनेक्शन कर दिया है सर, अगर चोर घुस भी आए तो आसानी से भाग सके। कैसा लगा सर? वेरी स्मार्ट। इट्स माय प्लेजर। देखो, मुझे कुछ जरूरी काम से जाना है। अनु सर, हमें साइट पर जाके इंजीनियर से मिलना है ना? वो 4 बजे है सर। ओह ब्यूटीफुल, गुड। यानी हम 4 घंटे तक बात कर सकते हैं। मैंने देख लिया सर। क्या देखा? आप उंगली कर रहे थे। अनु, हमारी बैंक मैनेजर के साथ मीटिंग थी ना? वो कल के लिए पोस्टपोन्ड हुई है। ओह एक्सीलेंट, यानी हम पूरे 9 घंटे तक बात कर सकते हैं। फिर से किया सर। आई सी। नो, आई सॉ। तुम इतनी भोली वाली क्यों हो अनु? समझ गई सर, सॉरी। हाँ सर, मेरी समझ में एक बात आ गई सर, जिंदगी में अगर ऊपर आना है तो बीच बीच में पीए को उंगली करते रहो, उंगली करते रहो। वेरी गुड, कीप इट अप। सागर, मुझे जरा बाहर जाना है।
आप गुस्सा मत होइए सर। सर आज के लिए आखिरी डाउट है, इतना बड़ा ऑफिस बनाया, इतनी सारी घड़ियां हैं, लेकिन एक भी घड़ी सही टाइम क्यों नहीं दिखा रही? ए, जरा भी अकल है तुम्हें? इतनी उम्र हो गई है समझ में नहीं आता, खाना खाते हो या घास खाते हो? मैं इतना बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा क्या? कितनी बार समझाना पड़ेगा? यहाँ के घास काटने आते हो? इडियट। मेरी पूरी सर्विस में इतनी सारी गालियां मुझे किसी ने नहीं दी। मिस्टर गांधी, आई एम सॉरी, मैंने आपको सच में नहीं डांटा, यूं ही मजाक में। मैं भी सच्ची में नहीं रोया सर, यूं ही मजाक में। मैं भी सच्ची में नहीं गया, मजाक में। मिस्टर गांधी, मिस्टर गांधी जी के साहब ऐसे क्यों हंस रहे थे? तुम्हें तो निकाल नहीं सके, तुम यहीं रहो, मैं खुद जाता हूँ, यही मतलब है। फिक्र मत कीजिए, मैं ही जाता हूँ। भैया ये बिल्डिंग इनकम्प्लीट होकर इतनी सुंदर लग रही है, तो फुल्ली कम्प्लीट हो जाएगी तो आप कितना सुंदर लगेगी। ज्यादा हो रहा है। गांधी साहब, मैं घर पर मिलूंगा, ओके? आप इस वक्त यहाँ अनु जी? बॉस से मिलना है। बॉस इस वक्त आपसे बात नहीं करेंगे? मुझे उनसे फौरन बात करनी है, वरना मैं सो नहीं पाऊंगी। आप एक काम कीजिए, सुबह उनको फोन कीजिए और दोपहर को सो जाइए। सुनील आइए। सब हट जाओ। सर, मुझे आपसे एक बात करनी थी। एसआर के तुमसे मिला, उससे हाथ मिला के मुझे धोखा देने को कहा, उसने तुम्हें रुपए भी ऑफर किए ना? हाँ सर, लेकिन ऐसी चीप ट्रिक्स मेरे साथ मत करना। ऐसा कह के तुमने भी उसे वार्निंग दे दी ना? इतना सही सही आपको कैसे मालूम सर? आजकल उस एसआर के का यही काम है, उसके कैरेक्टर से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। यू अमेजिंग सर। तुम इतनी भोली भाली क्यों हो? इसका मतलब यही है ना भैया? नहीं, मुझे तुम पर पूरा यकीन है अनु, नहीं तो ऑफिस में जो कोई नहीं जानते ऐसे सीक्रेट पासवर्ड्स मैं तुम्हें क्यों बताता? यही मतलब है। समझ गए? थैंक यू सर। तुम गलती नहीं कर सकते, गलती कैसे होती ये भी तुम नहीं जानते, ये मैं जानता हूँ। मेहरा साहब ऐसा मत कहिए, मैं आपको बहुत चाहता हूँ, आप तो मेरे अपने। नो प्रॉब्लम, एनी टाइम एनी डे, आप जब चाहे मुझे फोन कीजिए, मैं आपका काम कर दूंगा। फिर से मेहरा का फोन आए तो मुझे मत देना सर। बिजनेस में अपनापन बात में होना चाहिए, काम में हरगिज नहीं। क्या हुआ? थोड़ी सर्दी है सर। अरे तुम्हें तो बुखार भी है। ए किरण, फॉरन ऑफिस में आ जाओ, सर्जरी कर रहे हो, किसी को सौंप के आ जाओ। हाय। हाय। क्या हुआ तुम्हें? मुझे नहीं, मेरी सेक्रेटरी को। सिटी में वेदर चेंज हुआ ना, जुकाम हुआ है, सुबह से छींक रही है, थोड़ा बुखार भी है, तुम चेक करो। एक सौ दो, लगता है वायरल फीवर है, एक दिन आराम कर लो बस, ठीक हो जाएगा। थैंक यू सर। सुनील तुम इसको घर पर छोड़ के आ। ठीक है बस, आइए। सर मैं कल छुट्टी ले लूंगी, आज बहुत काम है। डॉक्टर वो है या तुम? ये बात नहीं है सर, काम। मुझे काम इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम्हारी हेल्थ इम्पोर्टेंट है। जाओ। देखो बॉस बार बार लीव नहीं देते, जब देते हैं तब ले लेना, चलो। थैंक यू सर। गौरव तुम ग्रेट आदमी हो यार, एक सेक्रेटरी की तबीयत क्या खराब हो गई, इतना ख्याल रखते हो। उसे एक दिन की छुट्टी दूंगा तो कल से और फुर्ती से काम करेगी, अगर छुट्टी नहीं दी तो अनु तो सफर होगी, साथ में काम भी सफर होगा। तू कह रहा है कि वायरल हो सकता है, अगर बाकी स्टाफ में फैल गया तो ऑफिस क्लोज।
तुम ग्रेट आदमी हो, कहा था ना, छोटा सा करेक्शन, तुम ग्रेट बिजनेसमैन हो यार। हेलो अनु, कैसी हो? सर कैसी हो? मैं ठीक हो गई हूँ सर। पूरी तरह ठीक होने पर ही ऑफिस आना, वरना कल भी छुट्टी ले लेना। ओके ओके सर। अगर अच्छी नौकरी मिलेगी तो हमारे किशन जी जैसा तुम्हें अच्छा पति मिलेगा, जो तुम्हें जी जान से प्यार करेगा। माँ बाप नहीं है इस बात से दुखी होना, वो दुख भी वो दूर करेगा बेटे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाय हाय। ओ अनु, तुम एक दिन नहीं आई तब पता चला कि तुम कितना अच्छा काम कर रही हो। क्यों सर? कल से हम सबके नाक में दम करके रखा है हमारे बॉस ने। मेरी नाक में भी? वो कहाँ है ये कहाँ है पूछते हैं, अनु कहाँ है पूछते हैं, फिर वो कहाँ है ये कहाँ है पूछते हैं, अनु कहाँ है पूछते हैं, फिर वो कहाँ है ये कहाँ है पूछते हैं, अनु कहाँ है पूछते हैं, यही ना। बॉस तो तुम पर पूरी तरह डिपेंडेंट हो गए। तुम्हारी अकलमंदी से लगता है मेरी पोस्ट निकल जाएगी। कौन सी? सेक्रेटरी की पोस्ट छोड़कर ड्राइवर की पोस्ट? नहीं सर, ड्राइवर की पोस्ट मतलब फ्रेंडशिप। एनीवे कांग्रेचुलेशंस। क्यों? लाइफ में पहली बार बॉस ने कहा कि अनु के बगैर काम चलाना बहुत ही मुश्किल है। बॉस की तारीफ तो ऑस्कर के बराबर है। गुड मॉर्निंग सर। दिस इज वेरी बैड अनु। क्या हुआ सर? तुम एक दिन ऑफिस क्या नहीं आई, सारा कामकाज रुक गया, पूरे ऑफिस को तुमने अपनी मुट्ठी में कर लिया। अरे साइट प्लान के बारे में पूछो तो कहते अनु मैडम जानती है, कंस्ट्रक्शन के प्रोग्रेस के बारे में पूछता हूँ तो कहते अनु जानती है। तुम एक काम करो, सर्कस की तरह वन मैन शो करो, सबकी सैलरी भी तुम ही ले लो। ब्लडी हेल। अरे नेट ओपन करना है तो अनु जानती है, माउस दबाना है तो अनु जानती है। आज से इस ऑफिस में सब अपने अपने नेट खुद ओपन करेंगे, सब अपना माउस खुद दबाएंगे। तुम्हारा काम है मुझे फॉलो करना, सबसे तुम्हें फॉलो कराना नहीं। गो गो डू योर वर्क। फिर ऐसा नहीं होगा सर। गो गो। अनु ये अकाउंट टैली नहीं हो रहा है, जरा ऐसे देख लेना। नहीं देखूंगी। क्यों? अपने नेट खुद ओपन करना सीखो, अपने माउस खुद दबाना सीखो। मैं क्यों बदनाम हो जाऊं? बॉस अनु का मूड खराब क्यों? आपने उसे डांटा क्या? नहीं तो क्या, रेड कारपेट बिछा के उसे डिस्को में ले जाना चाहिए था। अरे बाप रे, कल आप ही ने तो कहा था कि इसके बगैर ऑफिस में हमारा काम नहीं होता। ये बात हमें पता होनी चाहिए, अगर वो जान गई तो सर पर चढ़ बैठेगी। बचपन से तू मेरे साथ है फिर भी बिजनेस नहीं सीख पाया। वाह भैया वाह, कल मैंने आपको अनजाने में भैया कहा था, अब समझा कि आप तो वाकई मेरे भैया है। बेटी यहाँ अनुराधा नाम की कोई लड़की है? अब वो यहाँ नहीं है। ए, कौन है वहाँ पर? रुको, अपना चेहरा दिखाओ। तुम गंगूलाल बोला, यहाँ कैसे आना हुआ? मैंने अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, पता नहीं कब तक मैं जिंदा रहूंगा। मरने से पहले एक बार अपनी बेटी को देखना चाहता हूँ, बाद में मौका मिले ना मिले। तुम अपनी बेटी से मिलो, यही मैं हर रोज भगवान से प्रार्थना करता हूँ। तुम आज अगर उसे मिलोगे तो अपनी औलाद की कामयाबी को देखकर तुम्हें अपने किए पर बहुत पछतावा होगा, जानते हो? जीके कंस्ट्रक्शन कंपनी में सेक्रेटरी है, महीने का 50,000 पगार पा रही है वो। उसे पाल पोस कर बड़ा करने वाले इस आश्रम को अपनी पूरी तनख्वाह डोनेट करती है। लड़कियों में नगीना है तुम्हारी बेटी। एक बार मैं अपनी बेटी से मिल सकता हूँ? वो बेटी तो तुम्हारी है, मगर उसमें तुम्हारे संस्कार नहीं है। तुमने उसका नाम अपनी माँ के नाम पर रखा है, इसलिए वो तुम्हें माँ की तरह ही प्यार करेगी। जाओ। You better change that. अरे तुम्हारे पिताजी आए हैं। मेरे पिताजी? कोई गंगूलाल है, ऑर्फन स्कूल वालों ने ही उन्हें यहाँ भेजा है। मेरे पिताजी हैं। कहाँ है वो? वहाँ कैबिन में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरी अनु नहीं आई बेटी? पिताजी, तुम मेरी अनु हो बेटी? हाँ पिताजी। अपनी ही बेटी को मुझे अपना परिचय देना पड़ रहा है। मुझे अनाथ मना कर क्यों चले गए थे पिताजी? आज तक कहाँ थे आप?
आज तक मुझे देखने के लिए क्यों नहीं आए पिताजी, क्यों नहीं आए? जब तक हाथ पैरों में ताकत थी तब तक आंखों को सिवाय रुपयों के कुछ नहीं दिखाई दिया, लेकिन अब मुझ में ताकत नहीं है, खाने के लिए भी कुछ नहीं। मेरी माँ कैसी दिखती थी? साक्षात लक्ष्मी जैसी थी, वो बहुत सुंदर थी बेटी। बुरा मत मानना बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, तीन दिन से कुछ नहीं खाया। ये लीजिए पिताजी, ये रुपए ले जाकर पेट भर के खा लीजिए। पेट भर के खाने के बाद अगर मेरी याद आए तब आइएगा। एक लड़की को जब पिता की जरूरत होती है तब आप मेरे साथ नहीं थे। अब बाकी की जिंदगी में अब मुझे पिता की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी जरूरत है बेटी। आपको जरूरत है एटीएम सेंटर की, बेटी की नहीं। बेटी हुई है सुनते ही आप मुझे खुद छोड़कर चले गए। कभी बेटी पैदा हुई नहीं सोचकर अब आप चले क्यों नहीं जाते? दिन के वक्त आसमान में तारे नजर नहीं आ रहे, पर तुम्हारी आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं। सॉरी सर, मैं थोड़ा अपसेट हो गई थी। आसमान को देखने से दुख कम नहीं होगा, दुख दूर करने के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ? कोई बात नहीं सर, अब मैं ठीक हूँ, मैं काम पर वापस जा रही हूँ। सिर्फ तुम्हारे काम से वास्ता रखने वाला बॉस नहीं हूँ मैं, तुम्हारी खुशी और गम दोनों से वास्ता रखता हूँ। तुम्हारा बॉस ही नहीं, एक दोस्त भी हूँ। लेकिन तुम एक अच्छी सेक्रेटरी नहीं हो। हाँ? मलेशिया के लिए सिर्फ मेरी टिकट क्यों बुक की तुमने? आपने नहीं बताया था। अरे तो क्या, मलेशिया हो या इंडिया हो, मेरी देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारी है। सेक्रेटरी यानी बॉस का साया, जहाँ भी जाऊंगा फॉलो करना है। कमॉन फॉलो मी। बॉस आई लव यू। थैंक यू। वेलकम वेलकम। हेलो नागार्जुन सागर साहब। हेलो मिस्टर गांधी, हाउ आर यू? आप अच्छे हैं ना? क्या पूछा? मैं अच्छा हूँ तो क्या मैं बुरा हूँ? आप अच्छे और मैं बुरा हूँ? मैं तो अच्छा ही हूँ। मैं तो झोंक कर रहा था। तुम कितना अच्छा जोक करते हो। अरे गांधी साहब, मेरी गाड़ी की चाबी कहाँ? अरे रे रे, व्हाट अ वंडरफुल पर्सनालिटी। थैंक यू। कौन है साहब? है कोई उल्लू का पट्टा गधा, तुम्हें क्या करना है? तुम्हें इससे क्या मतलब है? क्या करोगे जानकर? वैसे मैं पूछ रहा हूँ, ये करते क्या है? भीख मांगता है साला, भीख मांगता है। माँ जी भूखा हूँ, भूखे को रोटी दो, तुम्हें उससे क्या लेना देना? छोड़िए सर, भीख मांगने वाला थोड़ी ना सूट बूट पहनता है। चोरी का माल है यार, दिन को भीख मांगता है, रात को दुकान से चोरी करके पहन के निकलता है, तुम्हें उससे क्या करना है? नहीं, शक्ल से तो बिल्कुल भोला वाला दिखता है। शक्ल से तो सब ऐसे ही भोले भाले दिखते हैं। मैं चोर हूँ ऐसा माथे पे बोर्ड लटका के थोड़े ही ना घूमते हैं। कुछ भी हो, ये तो पक्का बिजनेसमैन लगता है। यू आर राइट, बिजनेस ही करता है, बिजनेस ही है। लड़कियों को स्टार होटल में भेजने का प्रोकर बिजनेस, तुम्हें उससे क्या लेना देना? अच्छा तो क्या रेट है? स्टॉप इट। मैं कौन हूँ जानते हो? उद्योग मंत्री का होने वाला दामाद हूँ, नागार्जुन सागर। तो ये बात पहले कहनी थी ना? मौका तो देना चाहिए, ये बड़बड़ किया जा रहा है और तुम भी बराबर इसका साथ दिए जा रहे थे। हाँ हाँ वही है, जीके साहब के पास बिजनेस टिप्स लेने आए हैं ये महाशय। ओ कैसे टिप्स? वेयर इज मिस्टर जीके? अभी अभी मलेशिया गए हैं, कहकर गए हैं कि आप आए तो आपको दो टिप्स दे दूंगा। सुनिए अटलांटिक सागर, नागार्जुन सागर। ठीक है नागार्जुन सागर, अब ये देखिए, ये मैं हूँ, ये मेरी बीबी, ये मेरा बेटा, राइट? अब मैं अपने बेटे के साथ मार्केट गया सब्जी लाने। तो अब ये यहाँ कौन है? यही ना, ये आपकी बीवी। मेरी बीबी? अबे मेरी बीबी पे हाथ डालता है, वो भी मेरी गैर मौजूदगी में। हाथ कहाँ डाला, मैंने तो सिर्फ उंगली पकड़ी। उंगली पकड़ी है? उंगली पकड़ना गलत नहीं है क्या?
बोलते क्यों नहीं? फिर पकड़ो गई उंगली? मैं तो खेल रहा था सर। खेल रहा था, दांत तोड़ दूंगा। मेरी बीवी के साथ खेलता है? मैं खुद आज तक अपने बीवी के साथ नहीं खेला हूँ, मालूम है? सर आप बुरा मत मानिए सर। तेरी तो सर आप कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो रहे हैं। जज्बाती? मैं जी के साथ आएंगे तब आ जाऊंगा। तो अब तक खड़ा क्यों है? निकल जलवा, अब इस एरिया में नहीं आएगा। हेलो, एक्सक्यूज मी। सोचे ये हमारी सीट है। एकड़ा में पहले आकर यहाँ पर कर्चिप रखा ना, ये हमारी सीट है। कर्चिप? अपना बोर्डिंग पास दिखाइए। बाबा कंडक्टर ने पहले से देख के भेजा ना। कंडक्टर? सुनिए, ये म्युनिसिपल बस नहीं है, एयर बस है। कोई पन बस हो मोटा भाई, बस ही है ना। इतनी बड़ी सीट खाली पड़ी है, मेरी सीट पर बैठने का है? आज सीट खाली है, यहाँ बैठी जाओ। बैठो। ये लोग तो मेरी सीट के पीछे पड़ गए। Excuse me. Happy birthday to you. Ladies and gentlemen, welcome to flight number 198 to Kuala Lumpur. Please fasten your seat belt. Sir, please fasten your seat belt. भाई, ये डिकड़ी क्या कह रही है, मेरे को बताएंगे? बेल्ट बांधने को कह रही है। बेल्ट बांध के आया हूँ, डिकड़ी घर से ही बांध के आया हूँ मैं। अरे यार। भाई भाई मोटा भाई, नीचे देखो ना, लोग चींटी की तरह कितना छोटा दिखाई दे रहा है। वो चींटी है, फ्लाइट अभी तक उड़ी नहीं है। फ्लाइट में चढ़ने के लिए किस्मत होनी चाहिए नहीं? वैसे फ्लाइट से उतरने के लिए भी। तुम्हारा कॉमेडी सेंस कुछ ज्यादा ही है। आपको कॉमन सेंस थोड़ा कम है। आप मलेशिया फर्स्ट टाइम जा रहे हैं? हाँ भाई, बचपन में मेरा मोटा भाई घर छोड़कर भाग गया था। उसका फोन आया था कि वो मलेशिया में सेटल हो गया है, उसने बुलाया है। मजे की बात जानते हैं सर, मैं और मेरे मोटे भाई की शक्ल एकदम एक जैसी है, हम दोनों जुड़वा हैं सर। क्यों डर गए क्या? नहीं, अब है, अब है, जिसे किसी से डर नहीं लगता। ओ, सोचे सर, हिल कर आया है। जाके पता लगाता हूँ। क्या हुआ भाई? टायर पंचर हो गया। सुन कहो छो भाई, हम लोग कोई रोड पे थोड़ी जा रहे हैं, टायर कैसे पंचर होगा? आप नहीं जानते, आकाश में जो गिद्ध घूमते रहते हैं ना, उसका एक अंडा आके टायर को टकरा गया, टायर पंचर हो गया। ओहो, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, हम लोग आकाश में है ना। पर मलेशिया में तो इसी टायर पर उतरना है ना। प्लेन लैंड होते ही खलास। अब है, अब है। अब है, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री, अब है, जय श्री कृष्ण, जय श्री। Come on, Anu. किसी से भी नहीं डरने वाला अब है। बेचारा गया काम से। अनु, मैं रिटर्न टिकट्स कंफर्म करके आता हूँ। ओके सर। हाय। हाय। Are you waiting for Mr. GK? Yes. Okay, so you are the coordinator of our trip in Malaysia. Just note down the program for coming week. Boss is very strict. अभी 8 बज गए हैं, 10 बजे KLCC कंपनी के साथ मीटिंग है। शार्प 9:30 को गाड़ी तैयार रखना। ओके? बॉस को एक सेकंड भी वेट करना पसंद नहीं है। ओके? नेक्स्ट बॉस का खाना, कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट, इंडियन लंच और चाइनीज डिनर। बहुत ही अलर्ट रहना होगा। ओके? ओके मैडम, मैं आपकी तारीफ। मैं जीके साहब की पर्सनल सेक्रेटरी। ओह, पर्सनल सेक्रेटरी। रहने का इंतजाम कहाँ किया है? हमारे घर। व्हाट? हाय अंकल, ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया? नहीं नहीं, अभी आया। कैसे हैं आंटी? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? फाइन। अनुराधा, पर्सनल सेक्रेटरी। हाँ, इंट्रोडक्शन भी हो गया और मेरे लिए इंस्ट्रक्शंस भी मिल गए। सॉरी अंकल। नो नो नो, इट्स ओके, आपके बॉस के लिए आपके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ही अरेंजमेंट करेगा मैडम। चलो, कोई नई गाड़ी खरीदी? हाँ, एक नई मर्सिडीज ले ली। फैंटास्टिक। नो प्रॉब्लम, तुम फिक्र मत करो। अगेन अगेन
और क्या खबर है? तुम्हारा कंस्ट्रक्शन बिजनेस कैसा चल रहा है? डेवलपमेंट तो है ना? पिछले साल से इस साल 100% ग्रोथ है। रियल एस्टेट का तो जबरदस्त मार्केट है। सही टाइम में मैं दूसरे शहरों में बिजनेस फैला रहा हूं। देखा, ये दोनों एक दूसरे से जब भी मिलते हैं सिर्फ बिजनेस के बारे में ही बात करते हैं। एक दूसरे का हालचाल अभी तक नहीं पूछा है। घर तो एकदम बढ़िया बनाया अंकल ने। उन्होंने कहां बनवाया है? जब देखो बिजनेस चीप और रुपयों का हिसाब। इस घर का एक एक कोना मेरा बनाया हुआ है अपनी पसंद से। इतने बड़े घर में आप दोनों ही रहते हैं? अनु, सिर्फ ये दोनों ही नहीं, इनके बीच जो प्यार है वो भी यहीं रहता है। उस प्यार के लिए ये घर भी छोटा है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके एक्सटेंड करते जा रहे हैं। बाय। यस। कुक टू जस्ट वन। या फॉर्मेलिटी के लिए भी मुझसे नहीं पूछ रहे हैं, ऊपर से इतनी प्यास लगी है। अनु, तुम्हें कुछ चाहिए तो ले लो। कुछ नहीं चाहिए सर। अरे अभय के बड़े भाई। अरे कैसे आदमी हो तुम? तुम्हारा छोटा भाई इंडिया से आके तुम्हें ढूंढ रहा है और तुम यहाँ खड़े खड़े खा रहे हो। मैं वही हूँ सर, छोटा भाई अभय, जो किसी से नहीं डरता। मेरे मोटे भाई की खबर नहीं, मेरे को भूख लग रही थी तो मैं कुछ खाने लग गया था। अरे 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 सॉरी। लेडीज के साथ शॉपिंग करने आए हैं, टाइम वेस्ट है। सेक्रेटरी के लिए बढ़िया गिफ्ट खरीदने आया हूँ। फैंटास्टिक, कैसा बॉस हो तुम्हें, इंडिया में इतना अच्छा बॉस नहीं मिलता। एक कोक तो पिला रही और गिफ्ट की बात कर रहा है। अनु, जाके शॉपिंग कर लो। सर मुझे रख लो 7500 रिंगेट, यानी हमारी करेंसी में 1,00,000। जाओ जो चाहे खरीदो। सर शॉपिंग करने भेज रहे हैं कि शॉप खरीदने भेज रहे हैं? तुम जाओ अनु। अनु हा? ये कोक खत्म होने से पहले आ जाना, 10 मिनट का टाइम देता हूँ। टाइम चाहे बच जाए लेकिन पैसे नहीं बचने चाहिए। जाओ आराम से पीना भाई, प्यारी लड़की है। आई विल हेल्प हर। सॉरी सर, बहुत कुछ खरीदने के कंफ्यूजन में कुछ नहीं खरीद सकी। 10 मिनट में 1,00,000 रुपए खर्च नहीं कर सकी तुम? बेकार है। बड़े खड़ूस बॉस हैं भाई आप। गिफ्ट के लिए रुपए तो दिए, साथ में टाइम लिमिट भी रख दी। आपसे निपटना तो वेरी 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 डिफिकल्ट। क्या है वेरी 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 डिफिकल्ट? ये 10 मिनट में 1,00,000 का गिफ्ट नहीं ले आई, मैं 1 मिनट में 2,00,000 का गिफ्ट ले आया। रियली? पकड़ो। अनु पसंद है? थैंक यू सर। माय प्लेजर। भाई मेरी एक बात समझ में नहीं आई भाई, गिफ्ट आपने खरीद कर रखा हुआ था फिर भी खरीदने के लिए कहा? मेरा सिक्स सेंस कह रहा था कि ये नहीं खरीद पाएगी। आपका सिक्स सेंस इतना करेक्टली बताता है? भाई अपने सिक्स सेंस से पूछकर मुझे बताइए ना कि मेरा मोटा भाई कहाँ है। हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे भाई ने फोटो भिजवाया लेकिन एड्रेस नहीं दिया। वो तो है सर। मलेशिया आने को कहा लेकिन रिसीव करने नहीं आया। हाँ सर। कहीं कुछ गड़बड़ नहीं लग रही? लगता है भाई। तुम्हारा भाई बड़ा ही चालाक है। चालाक छे? वो कैसे? एक नंबर का चोर। उसकी तरफ से पैसे नहीं मिलेंगे, दर दर के ठोकरे मिलेंगी। मेरा सिक्स सेंस कह रहा है अब भगवान ही तुम्हें बचाएगा। ये क्या है आंटी, आपका और अंकल का नाम इस पत्ते पर लिखा है? ये यहाँ का रिवाज है, जिंदगी भर साथ रहने के लिए भगवान से मन्नत मांगते हैं। तुम्हें और भी जगह दिखानी है। हम
दोनों को भी हमेशा एक साथ रखना भगवान। दिल में छुपे प्यार को भगवान से पहले प्यार करने वाले को बताना चाहिए। आंटी प्यार करने वाले शर्माते नहीं हैं और प्यार का इजहार करने में डरना भी नहीं। वो तो हमेशा बिजनेस में बिजी रहता है, शायद इसीलिए तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाया। यहाँ तुम दोनों को थोड़ी सी प्राइवेसी मिल सकती है, इसलिए उससे कहना आज तुम्हें कहीं बाहर ले जाए और अपनी शादी की बात करना। कैसे बोलूं आंटी, मैं जितना भी चाहूं कभी कभी मुझे ख्याल आता है उनके पास पैसों के लिए नौकरी करने वाली मैं उनकी जिंदगी का हिस्सा कैसे बन सकती हूं। वैसे भी मैं एक अनाथ हूं, आसमान की ऊंचाई में रहने वाले वो मेरे लिए कैसे झुक सकते हैं। देखो आइंदा कभी खुद को अनाथ मत कहना, तुम मेरी बेटी जैसी हो, तुम्हारी शादी मैं करवाऊंगी। ये लो ये साड़ी पहनकर जाओ, उसकी नजर में सेक्रेटरी जैसी नहीं चांदनी जैसी दिखोगी। अच्छी लग रही है ना साड़ी? अच्छी है। आप अनु पहली बार मलेशिया आई है ना, उसे कहीं बाहर घुमाने ले जाओ। आंटी मुझे आपके साथ जाने के लिए मेरे साथ चलने के लिए तुम्हें रिकमेंडेशन की जरूरत है? तुम्हें कहाँ ले जाना है, कब ले जाना है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ओके बाय। भाई देखकर भी अनजान बनकर चले आए, पहचाना नहीं? पहचान लिया, इसलिए तो नहीं पहचान रहा हूँ। क्या जोक मार रहा है भाई? भाई आपका सिक्स सेंस सही था, मेरा मोटा भाई चोर निकला, रुपए चुरा कर भाग गया, मार खा खा के सूझ गया। वो सारा दुख भूलने के लिए ही मैं दो पैक मारने चला आया। मैंने पूछा तुम यहाँ क्यों आए हो? नहीं पूछा। या मैं क्यों आया हूँ तुम जानते हो? नहीं जानता। बिल्कुल पागल आदमी हो यार तुम, पब में कोई क्यों आता है पैक मारने के लिए? ऑरेंज जूस प्लीज। ओके सर। ऑस्ट्रेलियन विस्की में योगांडा की ब्रांड ले आओ। ओके सर थैंक यू। ये क्या भाई, इतने बड़े क्लब में आप ऑरेंज जूस मारने के लिए आए? मैं पैग नहीं मारता, लोगों को मारता हूँ। थैंक यू। तुम ये मत पीना, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अब है जो किसी से नहीं डरता। Just a minute. Thank you. अब है जो कहता हूँ सुनना चाहिए। तो जोर से बोलना चाहिए था ना भाई? जाके उस कोने में बैठो। जोर से बोलने को कहा था तो बहरा बना कर रख दिया मुझे। किस कोने में भाई? हेलो, तुम्हें अपने बॉस को ढूंढ रही हो? कहाँ कहाँ है वो? वो उधर पर है। हेलो अभी उसके पास मत जाना, बहुत ही बैड मूड में है। ऑफिस की बात तो बिल्कुल मत करना, पर्सनल बात कर सकती हो। टेंशन में हो? समझ गया बॉस, आई लव यू बोलने आई हो ना? ऐसा कहने के लिए हिम्मत चाहिए। हिम्मत मतलब? बताता हूँ, एक पैक मारो आ जाएगी।
ये पीने से हिम्मत आ जाएगी? सबसे पहले तो डर भाग जाएगा, उसके बाद तुम्हारे अंदर अनजानी ताकत आ जाएगी। कम ऑन, हैव इट, कम ऑन। सोचो मत, पी जाओ। ऐसे ऐसे, शाबाश। शुरू शुरू में ऐसा ही लगता है, बाद में ये संभाल लेगी तुमको। हिम्मत नहीं आई। एक पैक पीने से हिम्मत नहीं आएगी, इसको भी फटाफट पी लो। अब जाके बोल दो। क्या बोलूं? आई लव यू। मुझे आई लव यू कहते हो? ये मैंने तुमसे नहीं कहा था, तुम भूल गई थी, वो बता रहा था। मैं क्या भूल गई? आई लव, मैं नहीं बताऊंगा, उसी से पूछ लो। लगे चाहिए कान भी क्या? अनु तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे कुछ कहना है। अरे मुझसे कुछ कहना था तो घर पे कहा होता, यहाँ क्यों आई हो? अरे तुम ये क्या कर रही हो? ए, ये क्या नाटक हो रहा है? सॉरी, सब उल्टा पुल्टा हो गया। देखा, प्यार करना आसान है, प्यार का इजहार करना बहुत मुश्किल। समझ गई। और उस प्यार को आखिर तक जिंदा रखना उससे भी मुश्किल। वैसे कहाँ गया तुम्हारा बॉस? सुबह से तुम्हारे साथ ही रहता है ना? मौका मिलते ही दिल की बात बताना। अच्छा, उसका अपना कहने वाला कोई नहीं है सिवाय हमारे। तुम दोनों की शादी हो जाए और बाल बच्चों के साथ खुशी से रहते हुए देखने का मन कर रहा है। मेरी माँ कैसी थी मैं नहीं जानती, पर आपको देखने के बाद लगता है आंटी वो आप जैसी रही होंगी। अनु, फ्लाइट का टाइम हो रहा है, कम ऑन लेट्स गो। मेरी पत्नी को रिसीव करना जितना पसंद है उतना ही मुश्किल है सी ऑफ करना। जब भी टूर पे जाता हूँ मुझसे 4-5 बार फ्लाइट मिस करवा दिया। कम कम कम, लेट हो रहा है। आओ बेटे, आओ बेटे। हेलो अनु, मैं तेरी बचपन की सहेली स्नेहा। व्हाट, बिजी है तू? तेरे बॉस के साथ? क्या तेरी शादी फिक्स हो गई? व्हाट, शादी से पहले ही मलेशिया में हनीमून? हाँ, अब बस भी करेगी। मैंने बस इतना कहा कि जिंदगी में पहली बार खूब एंजॉय किया और तो शुरू हो गई। जीके के साथ तेरी जिंदगी कितनी खूबसूरत होने वाली है, उसने शादी से पहले ही सैंपल दिखा दिया। इस गोपाल कृष्ण उर्फ जीके को फूल चढ़ाना छोड़ो, उस गौरव खन्ना उर्फ जीके को आई लव यू बोलो। वो अपना प्यार तुझे बोल नहीं रहा है लेकिन दिखा रहा है। तू ही उसे समझ कर आई लव यू बोलेगी तो वाइफ का प्रमोशन मिल जाएगा। देखा, सच है ना? तेरे बॉस का है? नहीं, तेरा लवर। फोन दे। नहीं, तो नहीं कर रही। मैं अभी बताती हूँ। क्या कर रही हो? उससे प्यार है। चुप रहो, अभी बताती हूँ। अरे, हेलो, हेलो, ओके सर, ओके सर, ओके, फोन दे, ओके सर, आई एम कमिंग सर, आई एम कमिंग। चुड़ैल, शराफत से तू उसे आई लव यू बोल दे तो ठीक है, नहीं तो मैं तेरे दिल की बात बता दूंगी। जान ले लूंगी, मैं ही बोल दूंगी। लाइसेंस तो दिखा दिया ना, फिर 100 रुपए किस बात के? ए, लड़की को लेके फिल्म देखने के लिए और क्लब में जाने के लिए पैसे हैं, मुझे देने के लिए नहीं है। सर, इज्जत से बात कीजिए। अरे तेरी इज्जत की तो मैं। सर, सर, लाइसेंस कहाँ है? ये तो गलत बात है सर। तेरी तो लाइसेंस निकाल। इंस्पेक्टर, इसे आप क्यों मार रहे हैं? आपको इससे क्या मतलब? एक कॉलेज स्टूडेंट को इस तरह खुलेआम मारेंगे तो कोई पूछेगा नहीं आपसे? इसके पास लाइसेंस नहीं है। नहीं मैडम, इन्होंने लाइसेंस मार दिया। लाइसेंस नहीं है तो चालान भरवाइए, मोबाइल कोर्ट ले जाइए, ऐसा ना करके भी सड़क पे इस तरह मारेंगे। बोलिए, सॉरी बोलिए। अपनी पूरी सर्विस में मैंने अपने सीनियर्स को सॉरी नहीं बोला तो इसको क्या बोलूंगा? जाओ ना मैडम। देखती हूँ, आपके सीनियर ऑफिसर्स आके आपसे सॉरी बुलवाएंगे। चलो। आपको जो फाइल्स देनी है वो मेरी सेक्रेटरी अनु के पास है, वो अभी तक ऑफिस आई नहीं है। She must be on the way. Okay, it's all right. No problem. Thank you. Please 5 मिनट वेट कीजिए। अनु फ्लैट में नहीं है सर, फोन भी नॉट रीचेबल है। बुरा मत मानिएगा जीके, आप वक्त पे देते तो कुछ हो सकता था। Now it's too late. I'm sorry.
Hey, रेवती, what the hell are you doing? तुम्हें जाके चेक करना चाहिए था ना? तुम लोगों पर भरोसा करने से जाओ मेरी शक्ल देख रहे हेलो अरे ये सब क्या हो रहा है यार अरे कोई जी के कंस्ट्रक्शन कंपनी की सेक्रेटरी है काम का छोड़ के धरने पर बैठी है जरा भी अकल है तुम्हें ऑफिस टाइम में ये सब क्या है मेरे ऑफिस टाइम को ऐसे बेकार कामों के लिए इस्तेमाल करोगी तुम इस कंपनी के मालिक हो जो अपनी मर्जी से आ जाया करोगी आफ्टर ऑल एक सेक्रेटरी हो अपनी लिमिट्स में रहना सीखो तुम अनुराधा बनकर कोई भी सोशल सर्विस करो तुम्हारी मर्जी जीके की सेक्रेटरी बनकर तुम्हारी सर्विस सिर्फ इस कंपनी के लिए होनी चाहिए कल अगर कुछ ऐसा वैसा हुआ तो जीके की सेक्रेटरी ने ऐसा किया जीके की सेक्रेटरी ने वैसा किया कहेंगे लेकिन किसी अनुराधा को कोई नहीं पहचानेगा अनु मेरे गुडविल का सही सही इस्तेमाल करो और उसका गलत इस्तेमाल करोगी तो नौकरी से निकाल दूंगा तेरी जिंदगी कितनी खूबसूरत होने वाली है उसने शादी से पहले ही सैंपल दिखा दिया तुम इस कंपनी के मालिक हो जो अपनी मर्जी से आ जाया करोगे आफ्टर ऑल एक सेक्रेटरी हो अपनी लिमिट्स में रहना सीखो तेरे बॉस का नहीं नहीं तेरे लवर तो नौकरी से निकाल दूंगा नौकरी से निकाल दूंगा नौकरी से निकाल ये क्या है मेरा इस्तीफा ये अकड़ सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है बॉस ने गुस्से में दो बातें कह दी है सोच के भूल जाना चाहिए लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए इतना सब्र नहीं है मुझमें हाँ पहले सब्र होने के लिए अपने बॉस पे अभिमान भी होना चाहिए पहले सबको अपने आप पर अभिमान होना चाहिए जिस जगह पर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है वहां मैं नौकरी नहीं करूंगी कौन देगा तुम्हें इतनी सैलरी स्टेटस और रिस्पेक्ट ये सब मुझे यूं ही नहीं दिया मेरी अकलमंदी को इस्तेमाल किया है इसलिए दिया है मेरी तरह मेहनत करने वाली सेक्रेटरी आपको मिलना बहुत मुश्किल है पर मेरे लिए तो कोई भी बॉस आपसे बेहतर होगा सॉरी अनु सबके सामने मैंने तुम्हें डांटा मुझे माफ कर दो नौकरी मत छोड़ो हा? तुम जाओगी तो मुझे कंपनी बंद करनी पड़ेगी ऐसा सब कह के तुम्हारा हाथ पकड़ के विनती करूं नेवर जोश में आके फैसला तुमने किया है तो बाद में पछताने वाले भी तुम ही होगी गुस्से में सबके सामने मुझे डांटा इसके लिए अब बाद में पछताएंगे मेरी जिस सोशल सर्विस की वजह से प्रभावित होकर मुझे नौकरी दी थी वही आज आपको अच्छी नहीं लगती आपकी खातिर मैं खुद को नहीं बदल सकती कटिंग यानी खिंचाई इस लेटर को मैं एक महीने की नोटिस समझ के रखता हूँ बाद में अपना फैसला बदल कर तुम जॉब कंटिन्यू करोगी तो इस इस्तीफे को हम दोनों हमेशा के लिए भूल जाएंगे नहीं तो अपनी सेक्रेटरी की पोस्ट को भूल जाओ मेरा फैसला अटल है एक महीने में आप ही सॉरी बोलकर मुझे जाने से रोकेंगे ये चैलेंज है देखते हैं गांधी साहब नई सेक्रेटरी के लिए पेपर में ऐड दे दीजिए पिछली जनवरी में तूने कहा था कि नवग्रह मेरे पक्ष में तब उस जीके की एंट्री हो गई मेरे कॉन्ट्रैक्ट सब उसके पक्ष में चले गए वो तो शुक्र ने आपकी परीक्षा ली जजमान तूने कहा अप्रैल तक सब्र कीजिए ग्रहों की अनुग्रह से उसका काम तमाम हो जाएगा लेकिन मेरा ही बिजनेस तमाम हो गया वो तो शनि की परीक्षा थी जजमान आप थोड़ा धीरज रखें लास्ट एंड फाइनल अगस्त तक रुक जाइए कहा वो मलेशिया का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करके आ गया ये तो पूरे नवग्रह ने मिलकर आपका फाइनल टेस्ट किया है अब मैं पूरी जिंदगी टेस्ट देता रहूंगा तो मैं बेस्ट कब बनूंगा आप परीक्षा देते जाइए जी के पास होता जाएगा नहीं आप पास होते जाएंगे जजमान बात तो तूने बिल्कुल सच कही थी ए वो क्या है जजमान यही कि झूठ बोलने से आंखें चली जाएंगी जी हाँ आज सचमुच तेरी आंखें चली जाएंगी जजमान अब समझ में आ गया वो एक ही है जो जीके में है आप में नहीं वो क्या नारी बल नारी बल उस जीके की शादी नहीं हुई मेरी शादी हो गई है तो मेरे पास नारी बल है आपके पास जो नारी है वो बल नहीं है बल ही नारी है
उसका नारी बल तो उसका दफ्तर में ही है। समझ लीजिए, आप भी उसकी तरह एक सुंदर कन्या को सेक्रेटरी बनाए तो फट से आपकी तकदीर के सितारे चमक उठेंगे। ए कुंडली की औलाद, अपने आप को बचाने के लिए मेरे सौतन नानी की सलाह देते हो? अकल नहीं है तुम्हें? ए जीजाजी, जीके ने पेपर में ऐड दिया है कि उसे नई सेक्रेटरी चाहिए। देख लिया, अगर मैंने झूठ बोला होता तो मेरी आंखें चली गई होती। आपका नसीब पलट गया है, इसलिए जो सेक्रेटरी थी उसे निकाल कर वो नई सेक्रेटरी ढूंढ रहा है। नहीं जीजाजी, पुरानी सेक्रेटरी को निकाले बिना ही नई सेक्रेटरी ढूंढ रहा है। अब भी तू जो कह रहा है वो झूठ ही तो है। तेरी आंखें जरूर जानी चाहिए। अब वो साले जी सलाखें गरम करके ला। अभी लाया जजमान। ए चुप, वो बंद कर। जजमान मेरी आंखें मत फोड़िए। ओके, जान ले लेता हूँ। जान जाएगी तो आंखें किस काम की, इसीलिए तो फोड़ रहा हूँ। मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में आंखें डालकर देख लो, फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। आखिरी बार देख लो। देख लिया मेरा पावर, मेरी आंखों को तुम सब मिलकर फोड़ना चाहते थे ना? भगवान का खेल देखा, भविष्य जाने के लिए तुम्हारी हाथों में रेखाएं तो है नहीं, सब की सब तो खींच लिए। देख अनु, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अपने बॉस को अच्छे मूड में देखकर आई एम सॉरी सर, जल्दबाजी में इस्तीफा दे दिया। मेरे इस्तीफे को फाड़ दीजिए, कह देना। हरगिज नहीं कहूँगी, मैंने कोई गलती नहीं की। अगर कह दिया तो वो सोचेंगे मैंने गलती मान ली। तेरा बॉस तुझे बहुत पसंद करता है, इसीलिए तेरे रिजाइन करने के बाद भी कंपनी बाय लॉ वगैरह वगैरह कहकर तुझे एक महीने तक ऑफिस में रहने के लिए कहा। ऐसा नहीं है कि तेरे रिजाइन करने के बाद उसे नई सेक्रेटरी नहीं मिलेगी। मेरी जगह पर जो भी आएगी उनके हेडवेट की वजह से दो दिन भी काम नहीं कर पाएगी। तू नहीं जानती उनके बारे में, हम भला करेंगे तो भूल जाएंगे, लेकिन गलती की तो जिंदगी भर याद रख के टोकते रहेंगे। That is my boss, GK. G यानी घमंड, K यानी खड़ूस। Bye. वाह क्या कटिंग है। गांधी साहब। सर। आप मेरे लीगल एडवाइजर होके कितने साल हो गए हैं? पूरे 3 साल हो गए हैं सर। सुनील। हाँ। तो कितनी साल की उम्र से मेरे साथ है? जब आप चड्डी पहन के घूमते थे तब मैं वो भी नहीं पहनता था तब से। क्यों? कुछ नहीं, मुझ में अकड़ है, मेरे साथ 2 दिन से ज्यादा कोई काम ही नहीं कर सकता है ना, इसलिए शक हुआ कि तुम दोनों इतने सालों से मेरे साथ काम कैसे कर रहे हो। वैसे मेरा नाम जी के है, जी यानी घमंड, के यानी खड़ूस। आपके बारे में ऐसा किसने कहा, मैं अभी उसका मुंह तोड़ देता हूँ। अरे 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 जोश में मत आओ, ऐसा कहने वालों में कटिंग ज्यादा है। हा? क्या ज्यादा है? कटिंग। लेकिन आपको ऐसा किसने कहा सर? हा? किसी फ्रेंड ने कहा। हा? आपको ऐसी कटिंग देने वाला फ्रेंड कौन है जिसे मैं नहीं जानता? अनु, अनु जरा इधर आना, मुझे फॉरेन एक्सप्रेस से रियल एस्टेट के कटिंग चाहिए। ओके सर। एक और कटिंग, क्रॉनिकल का भी लाना। यस सर। एक और कटिंग, उसी दिन के टाइम्स का भी एक कटिंग ले आना। तुम फॉरेन जाकर ये सब कटिंग्स लाकर मेरे टेबल पर रख देना। हाय, तुम ये नौकरी क्यों छोड़ रही हो? वो ये नागार्जुन सागर जानता है। क्यों छोड़ रही हो? जीके को सेक्रेटरी को उंगली करने की आदत है, उसकी इस आदत को तुमने ओके नहीं किया इसलिए उसने तुम्हें बाहर किया। एम आई राइट? दया करके आप जाएंगे? मुझे तुम्हारी कंपनी पसंद है इसलिए तुम आके मेरी कंपनी ज्वाइन करोगी तो आई विल बी वेरी मच हैप्पी। जीके तुम्हें फ्लैट देता है तो मैं स्टार होटल दूंगा, जीके तुम्हें गाड़ी देता है मैं तुम्हें सारा फ्लाइट दूंगा, जीके चलेगा तो मैं दौड़ूंगा, जीके हंसेगा तो मैं रो दूंगा, जीके टेबल पर से कूदेगा तो मैं छत से नीचे कूदूंगा। वो काम कर, तुम्हारे तो हम खुश। अरे बाप रे, ये कब आया? हेलो अनु, क्या कर रही हो? आपने जो पेपर कटिंग्स मांगी थी वो कट कर रही हूं। उनके साथ अपना नोज कटिंग भी कर लेना, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। आज शाम को ताज इंटरनेशनल में पार्टी है, सेक्रेटरी को भी साथ में लाने को कहा था, मैंने मना किया था, कहा कि फ्रेंड के साथ आऊंगा। अच्छा है, बेशक जाइए। वो तुम ही हो, मैं घमंड और अकड़ के साथ आऊंगा, तुम 16 सिंगार करके ग्लैमर के साथ आना। सिंगार देखते रहिए मैं कैसे फंसाती हूँ। न्यू मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट का टेंडर भरने का इन्विटेशन आया है। हम हमेशा बड़े बड़े कंपनी से 50 करोड़ 60 करोड़ का सब कॉन्ट्रैक्ट लेते आए हैं, लेकिन इस बार फर्स्ट टाइम इन माय बिजनेस मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को खुद एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। इसमें रिस्क है सर, उस बड़े कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम अपने छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स को नजरअंदाज नहीं कर सकते, यही हमारे ब्रेड एंड बटर है। उसी ब्रेड के लिए आज तक मेहनत करता रहा, जरूरत से ज्यादा कमा भी लिया, अब मुझे चाहिए वर्क सेटिस्फेक्शन। जीके कंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया की नंबर 1 कंस्ट्रक्शन कंपनी होनी चाहिए, उसके लिए कोई भी रिस्क लेने को मैं तैयार हूँ। डे एंड नाइट काम करने के लिए आप लोग भी तैयार रहना, सुबह सारे आंकड़े दे दूंगा, आप लोग पेपर वर्क शुरू कीजिए। गेट गोइंग।
अनु गेट अप सारे डिटेल्स कंप्यूटर में देख लेना ओके ओके सर गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग आज क्या प्रोग्राम है नए सेक्रेटरी के लिए पेपर में ऐड दिया था ना सर वो आए हैं मैं नहीं जाऊंगी ऐसा नहीं कहोगी ना वन बाय वन सबको अंदर भेजो अब भी नहीं कहेंगे कि मत जाओ अनु ओके सर हेलो सर हेलो सर ओ हेलो गुड मॉर्निंग सर थैंक यू सर थैंक यू मैडम अब समझ में आया कि तुम्हें अपने आप पर इतना गुरूर क्यों है जिंदगी में कुछ हासिल करने के एम्बिशन रखने वाले और तुम्हारी तरह अच्छी क्वालिटी वाले कम हैं। मेरी जैसी तो आपको पसंद नहीं ना मुझ जैसी सेक्रेटरी आपको नहीं मिलेगी सर सर देर से ही सही एक और कैंडिडेट आई है बुलाऊं एज क्या है 81 तो नहीं जस्ट रिवर्स 18 तो फिर भेज दीजिए ठीक है सर श्रुति हेलो दिस इज अनुराधा माय टेंपरेरी सेक्रेटरी हाय हाय आपने कहाँ तक पढ़ाई की है आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़े थे मैं भी वहीं से पढ़ी हूँ सर आपकी बहुत तारीफ सुनी थी तब से मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ रियली इंटरेस्टिंग आपने कंस्ट्रक्शन कंपनी स्टार्ट की थी 2005 अप्रैल 30th को आपको 2006 में बेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट अवार्ड मिला था सर आपका फर्स्ट इंटरव्यू टाइम मैगजीन के 2006 जनवरी इशू में आया था कवर पेज पर आपका जो फोटो आया था वो अब भी मेरे पास है सर अब तक 22 कॉन्ट्रैक्ट टेकअप किए हैं 16 कम्प्लीट है 6 अंडर कंस्ट्रक्शन है एक्टिंग में अभिषेक बच्चन क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी बिजनेस में जीके आप तीनों की मैं पागल दीवानी हूँ सर अच्छा? मुझे ये जॉब मिले या ना मिले कोई बात नहीं आपके साथ 5 मिनट बात कर सकती हूँ यही सोचकर इस इंटरव्यू के लिए आई हूँ श्रुति तुम्हें इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट न करने की मेरे पास कोई वजह नहीं है फिर भी सोशल सर्विस पर तुम्हारा क्या ओपिनियन है हम सोशली तो रह सकते हैं लेकिन सर्विस वगैरह टाइम वेस्ट है क्या जवाब है मेरा ओपिनियन भी यही है अनु अपॉइंटमेंट लेटर रेडी करो थैंक यू सर थैंक यू सो मच यू ज्वाइन इमीडिएटली ओके बॉस पर श्रुति को जितना अभिमान है उतना ही होना चाहिए और सेक्रेटरी को तो उसे समझने का दिल भी होना चाहिए बॉस के पास क्या कहा कम अगेन आपका दिल बहुत बड़ा है इसलिए समझ सकते हैं यही कह रही थी यू आर राइट टेक केयर ऑफ दिस ओके सर श्रुति बड़ी आई श्रुति बात बात पर अभी श्रुति ही है उल्लू जैसी शक्ल और कपड़ों में कंजूसी लोमड़ी दिखती है लोमड़ी कहती है बॉस पर उसे अभिमान है उसे देखकर मुझे सीखने के लिए कहते हैं लेती हूँ उसकी खबर क्यों दीदी रुक क्यों गई तुम यहाँ कब आई जब तुम करछी से उपमा को और गालियों से मुझे भून रही थी ना तब आई दीदी दीदी कैसी दीदी कैसा रिश्ता तू कौन मैं कौन ऐसे बेकार में रिश्ते जोड़ने वालों से मुझे नफरत है मुझे तो बहुत पसंद है देखते ही हर किसी को फौरन अपना बना लेती हूँ मैं अच्छा होगा बाहर जाके आने जाने वाले सबको अपना बना ले तुम्हें यहाँ किसने बुलाया बॉस ने आज से मुझे तुम्हारे साथ सब शेयर करने के लिए कहा उन्होंने इंक्लूडिंग उपमा मैं नहीं दूंगी देखो दीदी बच्चों की तरह मत करो तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं 4 दिन सब्र कर लो बस बाद में चली जाओगी तुम चली जाओगी गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अनु श्रुति ऑफिस में नहीं है इसलिए तुम्हारे सारे काम उसे सिखा दो कोई गलती करे तो उसे सुधारो अब सारे काम तुम ही करती रहोगी और अगर बाद में ये न कर पाई तो मुझे ही इसे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ना मेरा टाइम वेस्ट होगा ओके ओके सर बॉस कॉर्पोरेशन का परमिशन लेटर डिक्टेट करेंगे लिख लेना अनु दो कॉफी ले आना तुम्हारी अकलमंदी से लगता है मेरी पोस्ट निकल जाएगी क्यों सेक्रेटरी की पोस्ट छोड़कर ड्राइवर की पोस्ट ओके सर हाँ श्रुति टेक दिस लेटर डाउन यस सर टू द म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफ नागपुर Dear sir, this is in reference to the notice sent by you dated 12th September 2007. GK Constructions have already submitted... What is this? Boss. हाँ, boss ही हैं. इतने seriously गला फाड़ के letter dictate कर रहे हैं. और तुम हो कि उनकी drawing करके, nail polish करती हुई, time pass कर रही हो? Letter क्यों नहीं लिखा?
बॉस इतना फास्ट बोलते हैं, लिखना मुश्किल है। तो क्या वो सब बिना लिखे दिमाग में स्टोर कर लोगी? नहीं, इस वॉइस रिकॉर्डर में स्टोर किया है। इसमें उन्होंने जो बोला है वैसे ही रिकॉर्ड हो गया है। इसे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने से ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। दीदी, बॉस ऐसे क्यों हंस रहे हैं? देखो श्रुति, तुम्हारे पास ऐसे बहुत से लेटेस्ट टेक्निक है जो अन्नू के पास नहीं है, यही मतलब है? क्यों दीदी, मुझे मारना चाहती हो? नहीं नहीं, वो तुम खराटे ले रही थी ना। हमारा नाम पांडू है, गांव झुमरी तलैया, हम नीचे के फ्लैट में रहता हूँ। अच्छा। हमको बुखार, खांसी, अस्थमा, बीपी, शुगर सब कुछ है। अच्छा। इन सब के होते हुए हार्ट अटैक भी हुआ तो फट से मर जाऊंगा। हाँ ठीक है। और सुनो, हम यहाँ तुम्हारी मंजूरी लेकर मारने नहीं आया हूँ। तो आधी रात को भी टीवी साउंड इतना ऊंचा रख के हम सबको मत मारो बोल के मरने के लिए आया हूँ यहाँ पर। हाँ बोल दिया ना, अब जाके मारो। ए, देखो, हम दिखने में कमजोर लगता हूँ इसलिए ऐसी बातें मत करो, अगर हमको गुस्सा आ गया ना तो। सुबह से शाम तक नापो तो भी 4 फुट का नहीं होगा, ढींगरा कहीं का। हमारा दरवाजा खटखटा के हम पर ही चिल्ला रहा है। हाँ श्रुति, बस करो। सॉरी भाई साहब। ये हुई ना बात, लड़की हो तो ऐसी होनी चाहिए, तुम्हारी जैसी लड़ाकू नहीं। मुझे लड़ाकू कहता है? अपनी शक्ल देखिए आईने में। श्रुति ये गलत है, छोटी बच्ची है, गलती हो गई, छोड़िए ना भाई साहब। ये हुई ना बात, लड़की हो तो ऐसी होनी चाहिए, और एक तुम हो जो अदरक खाई बंदरिया की तरह कूद रही हो। आईंदा ऐसा नहीं होगा भाई साहब, प्लीज। ये हुई ना बात, वैसे तुम्हें नहीं, तुम्हें यहाँ रखने वाले जीके को कहना चाहिए। कहूँगा, डांटूंगा, 4 लोगों के सामने खड़ा करके तेरे पास बुद्धि है, अकल है या नहीं है सब पूछूंगा। ये हुई ना बात, लड़की हो तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। मैं चलता हूँ। हाँ? ये क्या दीदी, हम पर चिल्ला रहा था तब तो तुम चुप थी, बॉस के खिलाफ एक बात क्या कह दी, फट से चाटा मार दिया। क्या बात है, लव? हाँ दीदी, लव है तो मुझे बोल दो, सेफ रहोगी, नहीं तो मैं ही ट्राई कर लूंगी। एक दूंगी, मैं सीनियर हूँ, तुम जूनियर हो, लेकिन हम दोनों हैं बॉस के वेरी नियर। व्हाट? सी माय डियर, बॉस से प्यार करने में कोई गलती नहीं है, इतने स्मार्ट आदमी से प्यार ना करना गलत होगा। अब सो जाओ। कल धूप और आज बारिश का बहाना कर रहे हो, व्हेन आर यू गोइंग टू फिनिश इट? बहुत जल्द सर। दीदी, लैपटॉप यहाँ है। मैं जानती हूँ। इस तरह आंखें फाड़ फाड़ के देखने के बजाय अपनी मन की बात बोल दो ना। काम करते वक्त बेकार की बातें मत करो, जाओ। कम ऑन गर्ल्स, लो पकड़ो पकड़ो। सर आप कुछ डिक्टेट? हाँ चलो पहले अंदर बैठो। अनु, जिंदगी में एक बार पीछे रहोगी तो हमेशा के लिए पीछे रह जाओगी। आओ। कहाँ गई होंगी? दीदी, क्या ढूंढ रही हो? बॉस आए कि नहीं? छोड़ो छोड़ो, तुम्हें मेरी वजह से टेंशन है पर बॉस पर टेंशन नहीं है। आज बॉस के साथ कार में बैठ के बहुत एंजॉय किया मैंने। इतना तुमने क्या एंजॉय किया? अब मैं क्या बताऊं और कहां से शुरू करूं? कार का स्पीड 90, मेरा बॉडी टेम्परेचर 91, कार का स्पीड 100, मेरा बॉडी टेम्परेचर 101, कार का स्पीड 120 और मैं स्टॉप इट। थर्मोमीटर फट जाएगा। अलग अलग टर्निंग में अलग अलग टचिंग। वैसे सड़क पर तो स्पीड ब्रेकर है लेकिन बॉस की स्पीड का कोई ब्रेक नहीं है दीदी। श्रुति। सर। कम टू माय रूम राइट अवे। यस सर। देखा दीदी, शायद सफर करके जी नहीं भरा, रूम में बुलाया है। तुम्हारा टेंशन एक्सटेंशन हो गया। यस सर। यस, इस फाइल को डिस्पैच सेक्शन में भेज देना। ओके सर। अरे सॉरी सर।
हाँ धीरे कर रहा हूँ, आराम से। अरे नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं कर रहा हूँ ना। दुख रहा है सर। हाँ, अभी नहीं दुखेगा। श्रुति, सर आप मेरे घर में आइए, सर बैठिए। देखो भाई, मुझे तुम्हारी बेटी चाहिए। सर घबराओ मत, 20 साल से तुम मेरे नीचे काम करते हो, मेरे बारे में तुम नहीं जानते। मुझे तुम्हारी बेटी चाहिए जिसने MBA किया हुआ है, बहुत बढ़िया नौकरी दूंगा, मंजूर है? लेकिन हमारे ऑफिस में कोई वैकेंसी नहीं है ना सर। जीके के ऑफिस में? तुम्हारी बेटी जीके के ऑफिस में काम करके उसके बिजनेस का काम तमाम कर देगी। सर मैं आपके पास जितनी वफादारी के साथ काम करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी भी किसी के पास उतनी ही वफादारी के साथ काम करे। धोखेबाजी हमारे खून में नहीं है सर। राम प्रकाश, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? आपके लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ सर, लेकिन किसी के साथ दगाबाजी नहीं कर सकता। ठीक है, फिर से एक बार सोच लेना। आपका नाम राम प्रकाश है? जी हाँ। आपके नाम आरएस वारंट है। लेकिन क्यों? SRK की कंपनी में 10 लाख का घोटाला किया है, ऐसी हमें कंप्लेन मिली है। लेकिन चलिए सर, सर मेरी बात सुनिए। मेरे डैडी को जानबूझकर केस में फंसाया है, उन्हें आप ही को छुड़ाना होगा, प्लीज सर। जीके को बर्बाद करने के लिए मेरे हाथ लगा आखिरी हथियार सिर्फ तुम हो। जीके के पास एयरपोर्ट के टेंडर की जो फाइल है वो मेरे हाथ में लाकर दोगी तो तुम्हारे डैडी को छुड़ा दूंगा, नहीं तो फटाश हो जाएगा। अच्छा बॉस नहीं है? अरे बॉस नहीं तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? आफ्टर ऑल तुम एक ड्राइवर हो, मुझसे सवाल करोगे? मुंह तोड़ दूंगी। श्रुति ये क्या बोल रही हो? इन्हें सिर्फ ड्राइवर मत समझो, ये बॉस के लिए भाई की तरह हैं। इनसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तुमने इसे छूट दी है, इसीलिए अपनी औकात भूल गया है। 2 दिन में तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, उसके बाद किसे कहाँ रखना है वो मुझे देखना है, इसीलिए ऐसा कहा। तुम बुरा मत मानना सुनील, वो किसी टेंशन में है इसलिए ऐसा कहा। नहीं मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ, वैसे ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम जा रही हो इसी वजह से तो ये आई है। भैया के पास तुम जैसी शरीफ लड़की को होना चाहिए, ऐसी बदतमीज को नहीं। तुमने जल्दबाजी करके इस्तीफा दे दिया, तुम्हें थोड़ा सब्र करना चाहिए था। लेकर आ गई ना? ओह वेरी गुड, मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो, जैसा मैंने कहा वैसा ही किया। लाओ फाइल, लाओ लाओ ना। पहले मेरी डैडी को छुड़ाओ। तुम्हारे डैडी केस से बरी नहीं हो सकते, तुम्हें उस जीके के पास रहना ही होगा। जब जब मैं कहूँगा तुम्हें जीके पे वार करके उसे खत्म करना है। अगर तुम्हें ये टेंडर फाइल चाहिए तो मेरी डैडी को छुड़ाना होगा। तुम समझते हो मेरी डैडी को छुड़ाए बिना मैं जीके को धोखा देती रहूंगी? मेरी जान भी जाए पर ऐसा नहीं होगा। उसके साथ चाहे कुछ भी करो लेकिन वो फाइल लेकर आओ। जीजा जी, वो भागो। पकड़ो पकड़ो, दोनों को पकड़ो, जरूरत पड़े तो दोनों को खत्म कर दो, लेकिन वो फाइल टेंडर के ऑफिस तक पहुंचनी नहीं चाहिए।
गया, एक भी फोन नहीं लग रहा है। बॉस कहाँ है, अनु कहाँ है और हमारी फाइल कहाँ है? सबने टेंडर भर दिए हैं, अब सिर्फ आधा घंटा ही बचा है। 5 बजे के पहले भरेंगे तो ही चांस मिलेगा, वरना सब बेकार है। आप इस तरह टेंस क्यों हो रहे हैं सर, जबकि आपने टेंडर भी नहीं भरा? कभी टेंडर भरा तो कितना टेंस हो जाऊंगा, उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूं। तुम अपना काम करो। अनु को हॉस्पिटल ले जाओ। Yes, जल्दी, you get going। Ladies and gentlemen, as per the schedule, the applications are now closed. Here's the result. The prestigious New Mumbai International Airport contract goes to GK Construction Line. Congratulations to Mr. Gaurav Khanna, MD, GK Construction Line. Thank you. Sir, congrats, we got it, sir. हमें मिल गया, sir. God is great, sir. बहुत ही टेंशन हो रहा था, sir. तुम बेवजह टेंशन ले रहे थे। इस नागार्जुन सागर को तो पहले ही पता था कि ये कॉन्ट्रैक्ट इन्हीं को मिलेगा। पर ये सब हुआ कैसे? Sir, all of this happened because of Anu, sir. हॉस्पिटल के बिना ही उसने लास्ट मिनट में आकर हमारा टेंडर सबमिट किया सर। आपका सबसे बड़ा सपना साकार हो रहा है सर। श्रुति, टेंडर ऑफिस चलो। दीदी, लेकिन टेंडर ऑफिस चलो। कांग्रेचुलेशन सर। एसआरके असली मर्द हो तो हैंड टू हैंड, फेस टू फेस मुझसे मुकाबला करो। इस तरह नामर्दों की तरह काम किया तो खाल उधेड़ दूंगा। श्रुति को ब्लैकमेल करके कॉन्ट्रैक्ट हड़पना चाहता था। चल कमीने। ठीक है, याद रखना, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरा खात्मा कर दूंगा। मैं तुझे छोड़ूंगा, याद रखना। ठीक है। सर, ये क्या है? अनु के पीएफ सैलरी स्टेटमेंट और सेटलमेंट पेपर्स हैं। आज उसका ऑफिस में लास्ट वर्किंग डे है। उसने जाने का फैसला कर लिया? आपने उसे सबके सामने डाटा इसीलिए रिजाइन कर दिया। आप शायद उसे रोकेंगे तो नहीं जाएगी। सॉरी सर, इन पेपर्स पर आपके और अनु के सिग्नेचर्स चाहिए। उसे भेजो। ओके सर। दीदी, बॉस आपको बुला रहे हैं। वो अगर आपको रुकने को कहे तो रुक जाना प्लीज। अगर नहीं कहा तो तुम ही कह दो कि रुक जाऊंगी। दो लोगों के बीच जो ईगो है वो छोटे दरवाजे की तरह है, दूसरी तरफ पहुंचने के लिए सर झुकाना ही पड़ता है।
प्लीज दीदी, जॉब छोड़ के नहीं जा रही हो, इस गुड न्यूज के साथ वापस आना। दीदी तुम्हें मेरी कसम। अनु, आज ऑफिस में तुम्हारा लास्ट वर्किंग डे है, मुझे याद नहीं था। बस यूं ही जोश में आके इस्तीफा दिया होगा और गुस्सा उतरते इस्तीफा वापस लोगी, यही सोचा था। यहां श्रुति को अपॉइंट किया है तो तुम्हारी जगह पर नहीं, तुम्हारी असिस्टेंट की जगह पर। तुम्हारा जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हें अच्छा लग रहा है कि नहीं मैं नहीं जानता। तुम पहले यहां साइन करो, उसके बाद ही मैं करूंगा। अनु, तुम चली जाओगी तो मैं एक अच्छी सेक्रेटरी को ही नहीं, हमेशा मेरा भला चाहने वाली एक अच्छी दोस्त को भी खो दूंगा। इस दस्तखत से नौकरी का रिश्ता भले ही टूट सकता है, लेकिन तुम्हारे साथ जो दोस्ती है वो कभी नहीं टूटेगी। क्या हुआ अनु? मैं ये ऑफिस छोड़ के जाना नहीं चाहती। अनु, तुम इतनी जज्बाती क्यों हो रही हो? मैं भी तो यही चाहता हूं, ये जॉब तुम्हारा ही है, कहीं नहीं जाएगा। अनु, अनु, इस तरह इमोशनल हो जाओगी तो कैसे? तुम इस कदर जज्बाती में नहीं जानता था, बहुत हिम्मत वाली समझ रहा था। हे, क्या छोटी बच्ची की तरह रो रही हो? कम ऑन, टेक इट इजी, कम ऑन। अरे अनु, टेक इट इजी, कूल इट, कूल इट। जिंदगी भर आपसे दूर रहकर भी मैं नहीं जी सकूंगी। बचपन से एक अनाथ होते हुए जो तकलीफें मैंने सही, उसके लिए भगवान का दिया वरदान है। आपके हाथों मेरी मांग भरे और मैं जिंदगी भर आपका साथ निभाती चलूं, यही मेरी ख्वाहिश है। आप एक बार मेरा हाथ थाम लेंगे तो मैं आखिरी दम तक आपकी सेवा करूंगी। मेरी पत्नी संजना, मलेशिया में जो सुमित्रा जी और विश्वनाथ जी हैं उनकी बेटी। हमने एक दूसरे से प्यार करके शादी की। पहली बार जब मैंने संजना को देखा तो सोचा कि शादी सिर्फ इसी से करूंगा। ए,
चार दिनों से देख रही हूँ, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ, प्यार कर रहा हूँ। मैं थैंक्स बोल के तुम्हारे साथ पार्क में घूमूंगी, पब चलूंगी, फिल्म देखने चलूंगी या ऐश करना होगा? जरूरत नहीं, बस शादी कर लो काफी है। मैं बिजनेस करता हूँ, पैसे बहुत कमा लिए हैं, लाइफ में सब कुछ है, वो सब शेयर करने के लिए मेरे साथ तुम जैसे खूबसूरत लड़की हो तो सोचा मजा आएगा। अच्छी तरह सोच लो, तुम्हारे पेरेंट्स जो भी लड़का ढूंढेंगे उससे कहीं ज्यादा मैं तुम्हें प्यार करूंगा, इसीलिए मैं ही बेहतर हूँ। डोंट वरी, मुझसे ज्यादा तुम्हारी देखभाल करने वाला लड़का चीखो चिल्लाओ तो भी नहीं मिलेगा। लव एट फर्स्ट साइट यार, तुम्हारे यस कहने तक मैं नहीं छोड़ूंगा, पीछा करता ही रहूंगा। ओके बाय। संजना ने जब तक यस नहीं कहा मैं पीछा करता ही रहा। मैं शादी के बारे में सोच नहीं सकती, पढ़ाई खत्म होने में 2 साल बाकी हैं, तब तक प्यार करते रहने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? No problem. और इस तरह भगवान के सामने हमारा प्यार शादी में तब्दील हो गया। मेरे सारे कपड़े छुपाओगे तो क्या सोचा मैं कुछ भी नहीं पहन पाऊंगी? ए, मेरी शर्ट क्यों पहन रही हो? मुझे ये पहन लो ना, हाँ? मेरी शर्ट दो। ए, नहीं दूंगी। Come on. With this, we shall conclude the meeting. Thank you very much for your participation. Thank you. Okay? Sanjana, क्या कर रही हो? तुमसे प्यार कर रही हूँ। बोलो कल क्या है? कल? December 27th, Monday. नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी का एक important day. बताओ क्या है? हम दोनों पहली बार मिले थे, वो दिन है क्या? No. तो जब हमने first kiss किया था, वो दिन है? नहीं। तो हमारी शादी की एनिवर्सरी है। अरे बाबा, मुझे छोड़ के सिर्फ तुमसे मायने रखने वाला एक इम्पोर्टेंट डे है, वो क्या है? तुम्हें छोड़ के कोई भी दिन मेरी जिंदगी में इम्पोर्टेंट नहीं है संजना। आई लव यू गौरव। आई लव यू टू। कल तुम्हारा बर्थडे है, शहर में रहोगे तो काम काम कहकर तुम सेलिब्रेट करने नहीं दोगे, इसलिए मैंने हमारे हनीमून वाले रिजॉर्ट में बढ़िया इंतजाम किया है, तुम फौरन यहाँ चले आओ, समझ गए? अच्छा तो ये बात है, मैं बस अभी आया। तुम कहाँ हो? ऑफिस में? कार में हूँ। ए, तेज मत चलाना। मुझे कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। मेरी बात मानो, रैश ड्राइविंग नहीं करना। तुम इसी तरह बात करती रहो, मैं 3 घंटे का सफर 3 मिनट में पूरा करूंगा। ओके? अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं जी नहीं सकूंगी। तुम हंसती हुई मेरे आंखों के सामने रहोगी तो मुझे कुछ नहीं होगा। और क्या? अच्छा सरप्राइज। संजना, ये कैसी आवाज है? संजना, लाखों लोगों के साथ साथ मेरी संजना की भी जान ले ली उस सुनामी ने। संजना की यादों को भुलाने के लिए उसकी तस्वीरों को भी छुपा दिया था उसके पेरेंट्स ने। संजना भले इस दुनिया से चली गई हो लेकिन अब भी वो मेरे पास है, मेरे साथ है, मेरे अंदर है। इसीलिए मैंने पूरी तरह बिजनेस में कॉन्सेंट्रेट करके प्यार, अपनापन, अटैचमेंट, सेंटिमेंट जैसे जज्बातों को इस कमरे में दफना कर बंद कर दिया। फिर कभी इसे खोलने की कोशिश मत करना। गो गो। Thank you.
भैया अन्नू से हमारे ऑफिस में रहने के लिए बोल दीजिए ना। मैंने उसे कहा था लेकिन वो यहाँ रहना चाहती है। आप कंगूलाल है ना? हाँ। मैं अनु का दोस्त हूँ। अनु को प्यार की जरूरत है। पिता होने के नाते वो आप दीजिए। अनु को अनाथ आश्रम से बाहर ले आइए और किसी अच्छे लड़के से शादी करवाइए। मैं चाहता हूँ कि वो शादी करके खुशी से रहे। बचपन से जो परिवार का सुख उसे नहीं मिला वो सुख अब उसे मिलना चाहिए। उसके लिए जो भी खर्चा होगा मैं दे दूंगा। होने वाले दामाद के पैर धो के उसके हाथों में बेटी को सौंप के उसकी देखभाल करने की विनती करते हैं पिता। वो जिम्मेदारी खुद लेकर मेरी बेटी की देखभाल करने के लिए आप मुझसे कह रहे हैं? आप देवता हैं, देवता। अब और कुछ मत कहिए, मेरे साथ चलिए। देखा कैसा रो रहा है। अब और भी इसे दुखी करना अच्छी बात नहीं। देखो अब इसकी आंखों में सच्चाई नजर आ रही है। बचपन से तुम्हारा एक परिवार हो, अपनों से तुम्हें प्यार मिले, ये सपना तुम्हारे साथ साथ मैंने भी देखा था। खैर 25 साल पहले इससे भूल हो गई, अब उसी भूल को तुम दोहराओगी। जाओ बेटी, अपने पिता के साथ जाओ। अनु सा सॉरी, वहां एप्लीकेशन रखा है, फौरन उसे सबमिट कर दो। ओके बेटी अनु, तुम ये लड़का पसंद हो तो बोलो, फौरन बात पक्की कर देता हूं। पिता होकर और कोई जिम्मेदारी तो नहीं निभाई, कम से कम ये। मैं शादी नहीं करूंगी पिताजी। तुम्हारी देखभाल करूंगा, तुम्हारी किसी अच्छे लड़के से शादी कराऊंगा, ऐसा मैंने किसी देवता से वादा किया है बेटी। हम बाप बेटी को बिलाकर ये घर और तुम्हारी शादी के लिए पैसे देने वाले भी वही हैं। ये बात मैंने ही तुमसे। कौन है वो? तुम्हारे बॉस जी के साहब। तुम्हारी शादी होगी तो वो बहुत खुश होंगे। क्या ऐसा उन्होंने कहा? हाँ बेटी। यहाँ सर साउथ वेस्ट में तो बाद में डिस्कस कर। ओके सर, जाइए। ये आपने एक बॉस की हैसियत से मुझे दिया है तो नौकरी नहीं है, अगर प्यार का तोहफा समझ कर दिया है तो प्यार नहीं है। मेरे पिताजी से मुझे मिलाने के लिए अगर मेरी शादी हो गई तो आपको खुशी होगी, कहा आपने। आपको मैं अपने दिल में बसा कर कहीं शादी नहीं कर सकती। मुझे भूल जाओ अनु, मुझे भूल जाओ अनु। संजना जो गुजर गई है उसे आप अभी तक नहीं भूले, तो मेरा प्यार जो अभी तक जिंदा है उसे मैं कैसे भूलूं?
मैंने सोचा मेरा प्यार आपको कबूल नहीं, लेकिन आपने उसे समझा ही नहीं, उसे समझा ही नहीं। मैंने सोचा कभी ना कभी आप बदलेंगे, लेकिन आप बदले ही नहीं, आप बदले ही नहीं। अनु, हे, तुम पागल हो गई हो? तुम्हें कुछ हो जाता तो? हो जाता तो आपको क्या? मैं आपको जब पसंद ही नहीं हूँ, तो मुझे बचाया क्यों? मेरे साथ कुछ भी हो जाए आपको क्या? मैं कैसे भी मरूँ आपको क्या? बोलिए ना। हे, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी मर्जी, जहाँ चाहे जाके मरो। ये मेरी कंस्ट्रक्शन साइट है, अगर यहाँ तुम्हें कुछ हुआ तो तुम्हारी जान तो जाएगी, साथ में मेरी इज्जत भी। बेचारी अन्नू को इस तरह आपने क्यों रुला दिया? उसने मुझसे पूछा कि वो मुझे कैसे भूल पाएगी। अब जरूर भूल पाएगी। ये सब कैसे हुआ अंकल? पता नहीं, जब भी मैं टूर पे जाता था आप संभल कर रहिएगा, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा कहा करती थी, लेकिन उसने अपनी हेल्थ के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। अंकल, नहीं, नहीं, ऐसा मत कीजिए अंकल। जब भी देखो अपने बिजनेस, अपने अचीवमेंट्स, अपने सक्सेस, अपने फेलियर्स के बारे में मैं उसे बताता था, लेकिन तुम कैसी हो सुमित्रा कहकर एक बार भी उससे नहीं पूछा। दिल के दर्द को दिल में ही छुपा कर वह चले गए। इतनी बेरहमी से हम दोनों को छोड़कर कैसे चले गए अंकल ये दोनों मां बेटी? ये दोनों बेरहम नहीं है, वो है। सुमित्रा को अपनी जिंदगी से बहुत ही प्यार था। आखिरी पल में भी मैं नहीं मरूंगी, मेरी एक इच्छा अभी बाकी है, कहते रहे। तुम्हारी और अनु की शादी अपने हाथों से करवाने की इच्छा अधूरा छोड़ गए। पति होने के नाते पत्नी की आखिरी ख्वाहिश क्या मैं पूरा कर सकूंगा बेटा? क्या मैं उसका एहसान चुका सकूंगा? मेरे साथ इंडिया चलिए अंकल। नहीं बेटा, मैं यहीं रहूंगा,
सुमित्रा की यादों के साथ मैं यही रहूंगा। फिर मुझे संजना को बुलाने के लिए क्यों कह रहे हैं? शादी के एक साल बाद ही वो तुम्हें छोड़कर चली गई। वहीं पर तुम्हारी जिंदगी नहीं रुकनी चाहिए, इसीलिए बोल रहा हूँ अनु से शादी कर लो। अनु को तो मैं भी चाहता हूँ अंकल, लेकिन संजना को मन में बसाकर अनु के साथ में प्यार नहीं कर सकता। जो प्यार खो गया है और जो प्यार बुला रहा है, इन दोनों के बीच दुखी हो रहे हो। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। मेरी माँ की आखिरी ख्वाहिश और मेरी ख्वाहिश एक ही है, मेरी खातिर मुझे भूल जाओ प्लीज। अनु को तो मैं भी चाहता हूं, लेकिन संजना को मन में बसा कर। हे पागल हो गई है क्या? तुम्हें कुछ हो जाता तो अनु को प्यार की जरूरत। अनु से शादी कर लो। पति होने के नाते पत्नी की आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर ले दोगे? अनु को तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन संजना को मन में बसा कर। मेरी खातिर मुझे भूल जा। भैया सुनील, फौरन अनु के घर जाना है, चलो। क्यों भैया? हे मेरी जिंदगी सिर्फ बिजनेस ही नहीं, उसमें अनु भी है, मैं जान गया। जाने क्यों, आप जिन्हें चाहते हैं वो आपसे दूर चले जाते हैं, आपके साथ ही ये क्यों हो रहा है भैया? क्यों, अनु को क्या हुआ? वहाँ अनु की शादी हो रही है भैया, आपने दिल की बात कहने में बहुत देर कर दी। नहीं भैया, अब वहां जाकर भी कोई फायदा नहीं। भैया एंड फेस टू फेस मुकाबला करने के लिए कहा था ना तूने? आजा। एसर के मुझे जाने दो, मेरे रास्ते में मत आओ। मेरा रास्ता बंद कर दिया तूने, तुझे खत्म करके ही आगे बढ़ूंगा। तुम्हें तो मेरा बिजनेस चाहिए ना, मेरे तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स तुम ही ले लो, तुम ही नंबर 1 बन जाओ, मुझे जाने दो। तेरा फेंका टुकड़ा उठाऊंगा तो मैं भिखारी कहलाऊंगा, तुझे मार के हासिल करूंगा तो मैं मर्द कहलाऊंगा। Oh!
उठा देगा। मुझ पे तरस आओ, मुझ पे तरस गाओ। दरवाजा खोलो बेटा। अनु दीदी दरवाजा खोलो। क्या हुआ? अनु ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया, पता नहीं क्या कर बैठेगी। अनु अनु का जोड़ा जिसे मैंने कफन समझकर पहन लिया है, उसे देखकर खुश होने आए। टूटे हुए दिल के लाखों टुकड़ों में अपनी ही तस्वीर को देखकर मुबारकबाद देने आए हैं। सौ साल हर लम्हा मर मर के जियो, ये कहकर मुझे मौत का आशीर्वाद देने आए हैं। यह डोली के बदले मेरी अर्थी को कंधा देने आए हैं। मैंने जिंदगी में संजना से जितना प्यार किया उतना किसी से नहीं कर सकूंगा सोचा था, पर मैं उतना ही प्यार अब तुमसे करता हूं जानकर। वो तुम्हें बताने के लिए आया हूं। प्यार दो इंसानों को ही नहीं, दो दिलों को जोड़ता है, ये मैं आज जान गया हूं। तुम्हारे दिल में मैं हूं ये जानने के बाद मैंने तुम्हें दूर कर दिया, लेकिन मेरे दिल में तुम हो यह जानने के बाद पल भर के लिए भी देरी किए बिना तुम्हारे पास आ गया हूं। अनु तुम मुझे चाहिए। मलेशिया में जो सुमित्रा आंटी थी उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि हम दोनों की शादी हो जाए, उनकी खातिर अनु तुम मुझे चाहिए। मैं हमेशा हंसता ही रहूं, तुम्हारे प्यार को कबूल करूं, ऐसा मेरे ही दिल में रहकर मुझसे कहने वाली संजना के खातिर तुम मुझे चाहिए। संजना को मुझसे दूर करके मेरी जिंदगी को बेरुखी करने वाला वो भगवान अब तुम्हारे जरिए फिर से इसमें बाहर ला रहा है, उसी भगवान की कसम तुम मुझे चाहिए। तुम्हें मुझसे जो प्यार है उस प्यार की खातिर
तुम मुझे चाहिए अनु, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इसी लम्हे के लिए तो मैं जी रही थी। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। भैया आप इसी मंडप में शादी कर लीजिए। इस हंसी का क्या मतलब है? मतलब मैं समझ गई हूँ, तुम परेशान मत हो।